इसमें अपन क्या करना रहता है अगर हमारे पास सौ क्वेश्चन उसमें लगभग आपके लिए 50. मैं पूरा इसलिए नहीं बोलूंगा आप देखते हो लगभग पचास क्वेश्चन आपके लिए आते हैं से छत्तीसगढ़ अगर छत्तीसगढ़ को भी देखोगे अगर वो उसको विभाजित किया जाए क्लासीफाई किया जाए तो अलग अलग चार और बड़े बड़े सेक्शन में बढ़ते हैं उसके बाद पांचवा एक सेक्शन जुड़ जाता है हमारे लिए वो रहता है हमारे लिए करंट अफेयर का अरे योन एक बार देख लेता हूँ कितने लोग हैं ये है हमारे पास नवीन कुमार जी नवीन कुमार लखरा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वाति शशि है जी उनको भी गुड मॉर्निंग अनिश लहर सर गुड मॉर्निंग सर तो अब मैं मान के चलूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब अपन क्लास को आगे करते हैं ठीक है तो आगे बढ़े ठीक है जी पढ़ते हैं आगे सबसे पहले हमको देखना है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय तो अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ क्या है भारत का हमारे लिए एक एक अभिन्न अंग है है तो तो अगर हम देख रहे हैं किसको छत्तीसगढ़ को को तो उससे पहले हमको भारत को एक बार जानना जरूरी अरे यस और नो हाँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपन चलेंगे किसके लिए भारत के लिए तो मैं पहले क्या करता हूँ अगर छत्तीसगढ़ का मेरा क्लास रहता है तो सबके पढ़ाने का जो अंदाज होता है स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है जब भी अगर मैं क्या पढ़ा रहा हूं छत्तीसगढ़ तो मैं एक बार कोशिश करता हूं कि एक बार हम किसको जान ले भारत को अगर बात हो रही है भारत की अगर बात हो रही है इंडिया की तो ये चालू कहाँ से होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक पवित्र ग्रंथ है जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान अगर बात होती है संविधान का तो संविधान में अनुच्छेद नंबर एक आता है जिसमें बोला जाता है इंडिया अर्थात भारत क्या होगा राज्यों का एक संघ होगा क्या बोला जाता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा तो सबसे पहले तो हमको क्या जानना है कि भारत क्या है हमारे लिए अगर आप भारत को देखोगे

कोशिश करते हैं कि अपन को क्या करें भारत को पढ़ अब ये बोलोगे सर कि ईटा छाप से अपन पूरे भारत को कैसे पढ़ सकते हैं उसके लिए कोमल सर है और जब भी कभी मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा असफल होता है तो उसके असफलता में केवल उसका हाथ नहीं होता कई बार ऐसे होता है कि टीचर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मेरा आप जितना क्लास देखोगे आपको रट्टा याद होगा जब कभी कोई टीचर आपको पढ़ाने के पहले गारंटी दे उसका मतलब वो कुछ तो अच्छा करने वाला है तो भाई अगर हम अच्छा करने वाले तो प्रारंभ करते हैं हमारा अच्छा क्या चीज है आप क्या करें सबसे पहले कोशिश करें कि राज्यों का अपन को नाम याद रखना अब मैं राज्यों का जब नाम बताऊंगा तो राज्यों के साथ केंद्र प्रशासित राज्यों का भी नाम बताऊंगा आपको क्लियर जी <coughs> कौन कौन कहाँ से एक बार लिखो जी कोई रायपुर का है कोई बिलासपुर का है कोई जांजगीर चापा का है तो कोई अभी नया बना शक्ति से कहां, कहां से लिखो तो एक बार मैं भी देखूं। चलिए बढ़े देखिए। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि आप घूमने गए जैसे आप पीएससी निकाल लिए पीएससी का सिलेक्शन हुआ और घर वाले साहब भाई पैसा मांग रहे थे कभी घर वाले पैसा नहीं दिए आप क्या होगा जैसे ही आपका पीएससी निकलेगा आपको दस हजार आदमी लोन देने वाले मिल जाएंगे अरे यस तो लोन लेने वाले आदमियों में पे जम्मू कश्मीर हूँ भाई क्लियर उसके बाद अपन चलेंगे ठीक है बैकुंठपुर मुंगेली लोरमी राजनांदगांव कोंडागांव ठीक है जी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कवर किया हुआ है कौन कंपटीशन कम्युनिटी हम चाहते हैं कि एक एक घर तक और एक घर में जीतने तैयारी करने वाले सब तक हमारा कोको का पूरा टीम पहुंच पाए क्लियर जी तो आगे चलते देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है किसको जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर हमारे पास एक राज्य है या केंद्र शासित राज्य है अभी केवल आपको ये याद करके चलना है अरे योनो सबसे पहले याद रखना है आपको क्या जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर है आपके लिए एक ड्रीम जगह आपके लिए एक स्वर्ग है आप घूमने गए लेकिन हम लोग रहते हैं कहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ठंडी भी ठीक ठाक पड़ता है यहाँ गर्मी भी आए-बाए पड़ता है अगर आप रह रहे हो बिलासपुर में अगर आप रह रहे हो जांजगीर चापा में अरे या सो नो तो आपको याद रखना कि कभी भी नशा जब किया जाता है तो ठंडे जगहों पे किया जाता है अरे सोन नो तो एक पिक्चर बना था उड़ता पंजाब तो आपको याद रखना आप गए कहाँ पे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए और जम्मू कश्मीर जैसी गए वहां पे आपको आए बाई ठंड पड़ा एक आठो कुछ लिए उड़ता पंजाब तो आपको याद रखना दूसरा आपके लिए एक क्या पड़ेगा राज्य पड़ेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे पंजाब अगर आप लिखना चाहते तो इधर लिखते चले भाई पहला है आपके लिए कौन सा जम्मू कश्मीर दूसरा आपको याद रखना है कौन सा पंजाब ठीक है और किसी के मन में अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर आप तो छत्तीसगढ़ पढ़ा रहे हो अब भारत को क्यों गिनवा रहे हैं बताएंगे बताएंगे अभी आपको ये होगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन है तब आपको रटना पड़ेगा तो आपको रटना मत पड़े और छत्तीसगढ़ को भी पूछा जाएगा किसका हिस्सा है तो जब मैं बताऊंगा प्रायदी पठार का हिस्सा है तो प्रायदीपी पठार क्या चीज होता है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा क्या इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्या भारत का संरचना कि भारत में कौन कौन से आपके पास अभी राज्य है कौन से आपके पास केंद्र प्रशासित राज्य है क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए सबसे पहले याद रखना है आपको क्या जम्मू कश्मीर दूसरा याद रखना है आपको पंजाब अब आप देखिए पंजाब में गए उड़ता पंजाब में कोई आदमी फूक दिया इतना फूका इतना फूका इतना फूका क्या बताऊं कितना फूका पूरा शरीर का जो आपके लिए क्या है शरीर आपके लिए गर्म तो आपको याद रखना पहले जम्मू कश्मीर दूसरा पंजाब तीसरा याद रखना भारत का आपके लिए सबसे गर्म जगह मिलेगा वो गर्म जगह रहेगा आपके लिए कौन सा राजस्थान तो आपको याद रखना है भाई कौन सा जगह राजस्थान अब देखिए राजस्थान में इतना गर्मी हो गया था इतना फूक दिए थे पूरा पैसा खत्म छत्तीसगढ़ आने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा देखना है कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा तब आपको पता चलेगा दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं तो वो होते हैं गुजराती लोग तो आपको याद रखना एक नया आपके लिए कौन पड़ेगा स्टेट उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान उसके बाद लास्ट में क्या पड़ेगा गुजरात अरे यस सुन तो ये हो गया जम्मू कश्मीर पंजाब उसके बाद याद रखना है राजस्थान याद रखना है क्या गुजरात अरे या सुन मैं सब चीज करूंगा जी मैं आप सब फिल करूंगा लेकिन पहले ऐसे है ना बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद पढ़ रहे हैं अब दिमाग में क्या हो गया पूरा जंग जम गया तो पहले अच्छे से मानजोगे तब तो दिमाग अच्छे से काम करेगा क्या अरे यस और नो देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान उसके बाद याद रखना है गुजरात गुजरात में गए भयंकर पैसा कमाए आय बाएँ टाइप का पैसा तो आपको याद रखना अगले फिर चार स्टेट अरे यस और नो जहाँ पे आप पैसा कमाए और देखो जिनके पास पैसा होता है उनका ही संडे होता है गरीब आदमी लोग का संडे नहीं होता भाई अरे या सोनो तो आपको इतना मेहनत करना है इतना मेहनत करना है कि इसी बार फोड़ देना जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं करके अरे या सोनो देखिए सबसे पहले याद रखना है आप कौन सा महाराष्ट्र महाराष्ट्र को बोला जाता है ना आर्थिक राजधानी आपके पास इतना अर्थ आ गया इतना पैसा आ गया कि आप आर्थिक राजधानी में रहने लायक हो गए अरे यह सोनो देखिए ये हो गया आपके लिए कौन सा महाराष्ट्र आप जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है संडे ज़्यादा हो जाता है तब क्या हो जाता है उसके पास चीज़ें रहती कि हॉलीडे हाँ मनाना है तो अभी हॉलीडे पूरा मना रहे हैं हमारे पास हमारे भूपेश कक्का और जहाँ पा रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं तो हमको याद रखना है क्या का और दूसरा याद रखना है का अरे या और का -का अगर घूमने जा रहा है तो पार्टी मनाएगा तो हमको याद रखना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो ताड़ी बहुत सारा चीजें हमारे पास तो आपको याद रखना है क्या गोल्डन गोवा तो आपको याद रखना है भाई महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद आपको याद रखना मस्ती करने कहा गए अपन गोवा उसके बाद गोवा मिल गया हमारे काका तो कसे याद रखना है हमको क्या कर्नाटक और दूसरा कहा से याद रखना है आपको क्या केरल अरे यस और नो ठीक है आगे चले <coughs> तो याद रखना है महाराष्ट्र गोवा आपको याद रखना है कर्नाटक उसके बाद याद रखना है आपको केरल या आपको याद रखना है केरला अब अपन पहुंच गए कहा भारत, भारत जैसी पहुंचेंगे तो दक्षिण भारत पहुंचने के बाद मिलेंगे हम लोग कहाँ यहा तमिल में या फिर साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्टार रजनी द बॉस तो रजनी द बॉस को याद रखना वो कहा बिलोंग करते हैं तमिलनाडु तो आपको याद रखना है एक और स्टेट कौन सा तमिलनाडु अरे सो नौ उसके बाद आएंगे क्या पुष्पा भैया तो हमको याद रखना है कि पुष्पा पुष्पा मतलब क्या है अल्लू अर्जुन तो आपको याद रखना अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन कहां से है आपके लिए आंध्र प्रदेश से तो आपको याद रखना है कौन सा आंध्र प्रदेश अरैया सोनो जब अपन पुष्पा पिक्चर देखेंगे अपन अल्लू अर्जुन को देखेंगे तब क्या होता है उसकी एक जन दीदी है और एक जन कौन है माता श्री और जो पुष्पा होता है जो आपके लिए अल्लू अर्जुन होता है वो बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति वाले घर से नहीं होता अरैया सोनो जब भी साउथ का पिक्चर देखोगे उसमें हीरोइन मैक्सिमम टाइम क्या होती है एकदम आपके लिए अच्छे घर से रहती है और आपके लिए जो हीरो रहता है वो ज्यादा अच्छे घर से नहीं होता अरे अरैया सोनो तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश उसके बाद उसकी दीदी तो दीदी उसकी कहाँ पे है आपके लिए पश्चिम बंगाल में और उसकी माता श्री कहाँ से बिलोंग करती है उड़ीसा तो आपको याद रखना है क्या चार और नए स्टेट अरे अरैया सोनो तो आपको याद रखना है कौन सा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अरे अरैया सोनो अब देखिए इसको आप पर अगर कोशिश करें तो फिल करके देखिए। सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे जम्मू कश्मीर दूसरा क्या पढ़े थे अपन पंजाब उसके बाद क्या पढ़े थे अपन राजस्थान उसके बाद क्या पढ़े थे अपन गुजरात अरे यार आप लग रहा है नहीं सर मैप से पढ़ा रहे हो करके तो ऐसे पढ़ना है भाई ऐसे नहीं चीजों को रट्टा मार के पढ़ लिए जब कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो मेरा ये उद्देश्य रहता है अगर आप अपना समय दे रहे तो आपको चीजें पूरी प्रॉपर याद हो और ये ऐसा बात है कि अब जब भी हम अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब भी कभी अपन पढ़ना स्टार्ट करें तो ऐसा होना चाहिए कि सर अगर मेरे को जीरो चालू करने में पहले दिन अगर सीजीपीएससी क्लास में बैठा हूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा छत्तीसगढ़ तो आपको इसी क्लास से स्टार्ट करना है कि छत्तीसगढ़ का बेस कहां से आएगा और छत्तीसगढ़ अभी आपको बीच में कहां से दिखाई देगा तो उसके लिए आपको एक बार भारत जानना जरूरी है तब अपन छत्तीसगढ़ की अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अरे यस और नो आगे चले क्या देखिए आपको याद रखना जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र उसके बाद याद रखना आपके लिए कौन सा जी गोवा गोवा गए थे क्या गोवा के बाद कौन मिले थे हमको कका तो से याद रखना रखना आपने क्या कर्नाटक और से याद रखना आपके लिए कौन सा केरल अरे यो नो उसके बाद पहुंचे थे कहा तमिलनाडु अरे या सो नो, उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा आंध्र प्रदेश <coughs> उसके बाद क्या याद रखना है दीदी दीदी कौन थी अल्लू अर्जुन की तो आपको याद रखना है कौन सा जगह पश्चिम बंगाल अरे या सो नो उसके बाद याद रखना है हमको कौन सा ये जगह ये जगह था हमारे लिए कौन सा उड़ीसा अब हमको याद रखना है या सेवन सिस्टर या फिर हमको याद रखना है पूर्वोत्तर भारत को अरे या सो नो आगे चले देखिए भाई। अब को फिर याद है कि अगर हम, अगर तो हम लोग क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर हैं इसको एक बार याद रखने की कोशिश करें अरे नो देखिए अब अपन को चलते हैं जैसे आप पढ़े हो सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर में जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहली क्लास कौन सा आता है अरुण अरुण उदय होता है ना तो सबसे पहले आपको एक स्टेट याद रखना है कौन सा अरुणाचल प्रदेश तो आपको याद रखना है भाई कौन सा अरुणाचल प्रदेश अरे अरैया सोनो अब अरुणाचल प्रदेश जीवन में मजा कब रहता है जब आप बचपने में रहते हो अरे अरैया सोनो और बचपने में भी सबसे ज्यादा मजा कब आता है जब बारिश होती है का है भाई जब बारिश होती है तब ये होता है कि हमको स्कूल जाना नहीं पड़ता हम यही चाहते हैं कि कैसे भी स्कूल मत जाए करके और वही बाद में जब पी एस में आते हैं तो वो आता है सर स्कूल चाहे रहते तो क्या हो जाता करके अरे सुनो हाँ भैया सब प्रैक्टिस सेट मिलेगा ठीक है आगे चले तो आपको याद रखना है क्या अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बाद याद रखना है क्या नाग एक नाग सांप है एक कहा होता है आपके लिए नाग और दूसरा होता है क्या इच्छाधारी नाग तो नाग और इच्छाधारी नाग में क्या डिफरेंस होता है आपके लिए जो नाग होता है उसके पास इच्छाधारी नाग होता है उसके पास होता है मणि तो आपको याद रखना है क्या नाग है उसके पास एक मणि है और उसी के वजह से वो क्या कर रहा है मजा तो आपको याद रखना अगला तीन स्टेट सबसे पहले याद रखना है आपको क्या नागालैंड अरे और नो उसके बाद याद रखना है मणिपुर उसके बाद मजा मजा किससे कर रहा है वो रम लेके तो आपको याद रखना है क्या मिजोरम अरे और नो उसके बाद याद रखना है एक दो और तीन तो आपको तीसरा एक जगह याद रखना है तीसरा एक स्टेट याद रखना है एक दो तीन हुआ अब इधर याद रखना है मिजोरम उसके बाद तीन थो तो आपको याद रखना है क्या त्रिपुरा एक दो तीन उसके बाद याद रखना आपके अगला क्या त्रिपुरा अब जैसे ही त्रिपुरा हुआ आपको यहाँ पे दो ठोक और स्टेट बच जाएंगे उसको याद रखना है तो आप मजा कब करते हो जब आप क्या ले रहे हो राम लेकिन घर में थोड़ा ना बोल पाओगे पापा मेरे को चाहिए करके तो जब बारिश होती है तो हम लोग क्या पीते हैं चाय तो सबसे अच्छा चाय कहाँ का मिलता है आपके लिए जी आप ये बताइए नोट शोट सब मिलेगा भैया आप आराम से पहले पढ़िए तो उसके बाद याद रखना है क्या चाय तो आपको याद रखना चाय अगर अपन क्या पी रहे हैं चाय तो सबसे अच्छा चाय अपन को कहाँ मिलता है आसान और हम लोग ये चाय पी कब रहे हैं जब बहुत बारिश हो रही बारिश मतलब याद रखना है आपको क्या मेघ और जहाँ पे आए बाएं बारिश हो उसको बोला जाता है आपके लिए क्या मेघालय तो आपको याद रखना चाहे आपको याद रखना मेघालय मतलब ये रहेगा आपके लिए कौन सा जगह असम उसके बाद याद रखना है आपको क्या मेघालय अरे यार सुनो इसको फिल करें क्या अपने ओरिजिनल मैप में देखिए भाई तो ये हो गया इसमें अपन चलते हैं सबसे पहले किसके लिए अरुणाचल प्रदेश उसके बाद क्या बोला था मैं आपके लिए नाग मणि उसके बाद वो क्या कर रहा है आपके लिए मजा अरे या सोनो तो आपको याद रखना है क्या नागा मणिपुर उसके बाद क्या कर रहे थे मजा की सेरम तो आपको याद रखना है क्या मिजोरम ठीक एक दो और तीन तो अगला जो आएगा आपके लिए स्टेट वो रहेगा कौन सा त्रिपुरा तो आपको याद रखना है कौन सा त्रिपुरा उसके बाद याद रखना है आपको ये आपको याद रखना है ये अरे और नो तो ये आपको ऊपर वाला याद रखना चाहे कहां पी रहे थे हम लोग आसम का उसके बाद नीचे नीचे याद रखना है आपके लिए ये जगह कौन सा था मेघालय क्लियर आपके लिए इतना स्टेट क्लियर होते जा रहा है आपको याद होना चाहिए ठीक है जी अच्छा क्या बोल रहे हैं सर सेवन सिस्टर को एक बार फिर से समझाइए समझा रहे हैं एक बार फिर से देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश उसके बाद याद रखना है नागालैंड मणिपुर मिजोरम आपको तीन ठो किधर लाइन से दिख रहा है एक दो तीन हुआ इसीलिए याद रखना है आपको क्या त्रिपुरा और अगर क्या कर रहा है नाग नाग आपको कब दिखाई देता है जब बारिश ज़्यादा होती है और चाय आप कब पीते हो जब बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश से याद रखना मेघ और मेघ से याद रखना आपको क्या मेघालय उसके बाद याद रखना आप चाय कहाँ पीते हो असम ये है भाई आपके लिए क्या सेवन सिस्टर क्लियर आगे बढ़े ठीक है जी आगे चलें अब आपको याद रखना असम आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश आगे चलते हैं ये हमको क्या दिख रहा है कुब्बट टाइप का जगह दिख रहा है ये कुब्बट टाइप जगह क्या याद रखना ये हमारे लिए कौन सा है सिक्किम तो अगला याद रखना आपको कौन सा सिक्किम अब इधर के लिए चलते हैं कि इधर क्या क्या चीज है करके अब देखिये इसके लिए अपन क्या करते हैं सीधा लेते हैं छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ ये देखिए अपन छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है हमको ये याद रखना है क्योंकि यहां से आपको प्रश्न बनते हैं ठीक है ठीके? आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ 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 के उत्तर में पड़ता है आपको क्या उत्तर प्रदेश तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ेगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तर में पड़ेगा आपको क्या उत्तराखंड ठीक है जी तो आपको याद रखना है क्या छत्तीसगढ़ ग्र, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में मिलेगा क्या आपको उत्तराखंड और जैसे ही आप उत्तराखंड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बद्रीनाथ केदारनाथ जितने ठंडे ठंडे जगह है और जितने आपके लिए क्या दार्शनिक स्थल है सब चीज आपके लिए क्या होगा म आपके लिए पड़ता है तो आपको याद रखना पूरा क्या रहता है बर्फ से घिरा रहता है इसीलिए आपको याद रखना है क्या हिमाचल प्रदेश ठीक है जी अब याद रखना है आपको क्या छत्तीसगढ़ 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 में तीजा किसके घर जाते हैं जी अपने मायके जाते हैं मायके मतलब क्या याद रखना है आपको मामा तो माँ से याद रखना है राज्य पड़ेगा कौन सा मध्य प्रदेश और दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं ठो क्या महाराष्ट्र ठीक है जी अब देखते हैं इसको बना के कि ये सब हमारे लिए कहाँ कहा बनता है देखिए ये छत्तीसगढ़ तो ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा जगह छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद अपन क्या देखे थे इधर कंप्लीट तो मैं क्या बोला छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर में है आपके लिए कौन सा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में ये हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए कौन सा है उत्तराखंड उसके बाद याद रखना हमको ये ऊपर वाला ये हमारे लिए कौन सा हिमाचल ठीक अब याद रखना है हमको ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है आपके लिए तो आपको याद रखना है कौन सा ये जगह है हमारे लिए मध्य प्रदेश और हम जान रहे हैं हमारे लिए महाराष्ट्र इधर आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश तो इधर और आपके लिए कोई राज्य है क्या तो ये राज्य है आपके लिए कौन सा तेलंगाना तो आपको याद रखना है कौन सा तेलंगाना और कुछ बचा क्या जी आपके लिए बच रहा है यूपी 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 तो यूपी, यूपी बाजू में आपके लिए क्या मिलेगा बिहार तो आपको याद रखना एक साइड यूपी दूसरे साइड याद रखना है क्या बिहार आप जितने जन हम लोग क्रिकेट लवर हैं तो क्रिकेट लवर में हमको एक चीज अच्छे से पता है क्या कि हमारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है हमारे लिए सबसे पहले तो मिलेंगे हमको कौन महेंद्र सिंह धोनी तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं रांची उराची कहाँ पड़ता है आपके लिए तो याद रखना यही स्टेट ये स्टेट हमारे लिए रहेगा क्या झारखंड अब देखिए ये भी हो गया कंप्लीट हमारे लिए एक बज गए बस ये तो ये हमारे लिए कौन सा हरियाणा क्लियर जी तो आपको चीजों को ऐसे धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते चलना है क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपको चलना है सबसे पहले किसके लिए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और उत्तराखंड के उत्तर में आपको क्या मिलेगा हिमाचल प्रदेश इधर आपको याद रखना है ये वाला सेक्शन पंजाब के नीचे आपको क्या मिलेगा हरियाणा ठीक है जी हमको पढ़ना था ये छत्तीसगढ़ इसीलिए आपको इतना सारा कार्यक्रम आपके लिए क्या किया गया बताया गया क्लियर अब अपन कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि आज क्या क्या पढ़ें आपको शुरू में जब पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि सर थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा है क्या करके तो एक बार में हाँ कौन है विमल बंजारे जी सर एक बार और फिर से बताइए समझ नहीं आया फिर से बता रहा हूं ठीक है अपन देखिए सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़े थे एक बार फिर बता रहा हूँ फिर यहां से भारत आपके लिए खत्म हो जाएगा उसके बाद चालू करेंगे हमारा छत्तीसगढ़ जो हमको पढ़ना है ठीक है जी देखिए देखिए अच्छा इसमें एक चीज नहीं बता पाया मैं ये वाला। ये वाला हमारे लिए कौन सा लद्दाख तो लास्ट वाला अभी मैं सब बताऊंगा लेकिन ये आपके लिए जम्मू कश्मीर और ले लद्दाख आपके लिए क्या है राज्य नहीं अपितु केंद्र प्रशासित राज्य है यूनियन टेरिटरी है क्लियर अब देखिए एक बार फिर देखते हैं हाँ? अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमको सब आता है तो हम उन बच्चों को लेके भी चल रहे हैं जो पहली बार सोचते हैं कि सर हम तैयारी कहाँ से चालू करें तो हमको उनके लिए कर रहे हैं भाई वो सब क्लास आपको अगर पहला चीज आ रहा है आपको आज क्या क्या पढ़ना है इसके जस्ट बाद में पढ़ाऊंगा आपके लिए क्या छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में जो तैतीस जिले हैं वो पूरे तैतीस जिले कौन सा कैसा जिले बना है सब चीज को देखना है आज आप देखोगे स्थिति में कि अगर क्या बना है नए जिले बनाए तो कर कर रेखा में क्या परिवर्तन आया तो जितने बड़े बड़े आपके लिए क्या आए हैं परिवर्तन आया है, सबको आज के क्लास में बताया जाएगा तो कि ये है आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास कल से जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम लोग जिला परिदर्शन चालू कर देंगे ठीक है जी आगे बढ़े क्या सबसे पहले याद रखना है आपको क्या जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के बाद क्या पढ़े थे हम लोग अगला अगला था हमारे लिए कौन सा पंजाब पंजाब के बाद हम लोग क्या पढ़े थे राजस्थान राजस्थान के बाद क्या पढ़े थे हम लोग अगला बताइए जी राजस्थान के बाद पढ़े थे हम लोग क्या गुजरात गुजरात के बाद क्या पढ़े थे हम लोग महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद क्या पढ़े थे हम लोग गोवा गोवा के बाद क्या पढ़े थे कर्नाटक कर्नाटक के बाद क्या पढ़े थे केरल ठीक जी इधर एक साइड खत्म उसके बाद अगले साइड से क्या चालू हुआ था तमिलनाडु आपको कहानी अगर याद होगा तमिलनाडु के बाद क्या बोले थे अपन आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से के अपन क्या बोल दिए तेलंगाना बाजू में उसके बाद पढ़ना है अपने क्या उड़ीसा ठीक है जी उड़ीसा के बाद अपन पढ़े थे क्या पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल ठीक उसके बाद हम हमको याद रखना है सेवन सिस्टर तो सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश उसके बाद क्या बोला था मैं आपको, नाग, तो आपको याद रखना है नागा मणि और मिजो तो आपको याद रखना है जी कौन सा नागालैंड मणिपुर आपको याद रखना है कौन सा मिजोरम क्लियर उसके बाद एक दो तीन तो अगला आपके लिए कौन सा आता था त्रिपुरा खत्म हो जाएगा आपके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखे सबको पढ़ाना रहता है मैं एक एक पानी गिरता है तो अपन क्या पीते हैं चाय तो आपको याद रखना है कौन सा आसाम आसाम के बाद अपन क्या पढ़े थे मेघालय उसके बाद में बताया था कहा अभी तक छत्तीसगढ़ नहीं लिखा था मैं बोला था क्या छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या पड़ रहा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या पड़ रहा है आपके लिए उत्तराखंड क्लियर जी उत्तराखंड के उत्तर में क्या पढ़ाए थे अपन हिमाचल प्रदेश ठीक है जी यहाँ पहुंचे अपन पंजाब पंजाब के बाजू में आपको क्या बताया था मैं हरियाणा क्लियर जी अब ये जम्मू कश्मीर पढ़े थे जम्मू कश्मीर के जस बाजू में आपके लिए कौन सा लेह लद्दाख ये सब चीजें देख चुके हैं क्या ठीक है जी अब अपन क्या पढ़े थे इधर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाजू में अपने क्या मिला तेलंगाना ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कुछ से टूट के बना हुआ है मध्य प्रदेश से ये आपके लिए चीजें थी तो ये था आपके लिए एक जर्नल इंट्रोडक्शन जिसमें अपन क्या कर रहे थे पूरा कोशिश कर रहे थे कि भारत को एक बार पढ़े करके ठीक है जी हाँ ये अगर आसाम पढ़े आसाम के जस्ट बाजू में अपन क्या पढ़े थे सिक्किम आपको ऐसी चीजों को एक बार दो बार तीन बार घोर घोर के घोर घोर के घोर घोर के पढ़ना है क्लियर जब तक आप घोर घोर के नहीं पढ़ोगे जैसे चीजों को बार 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 मांझा जाता है तब बर्तन चमकता ही नहीं वैसी आप भी चमकोगे अगर चीज़ों को बार बार अपन क्या करें तैयारी करे ठीक है अब देखिए ये तो था हमारे लिए कहानी पूरा किसका भारत का अब अपन को पढ़ना है किसके लिए <coughs> कैपिटल वैपिटल सब आपको जितनी चीजें कुछ चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा अलग से देखिए अगर अपन क्या करते हैं चीजों को देख रहे हैं तो अगर अपन क्या करते हैं हमारा टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर जितने प्रकार के नोट्स हैं सब प्रकार के नोट्स मिल जाएगा दूसरी बात आपको एक नया घोषणा कर रहा हूँ मैं क्या जितने लोग अभी आपके लिए क्या करेंगे कंपटीशन कम्युनिटी का अगर क्या करेंगे ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको आने वाले कोर्सेज पर जितना रहेगा उसमें दस आपको डिस्काउंट मिलेगा हंड्रेड पहली बात तो ये दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि सर अगर हम तैयारी चालू कर रहे हैं तो अपन टेस्ट सीरीज कहाँ का ले कैसे ले क्या ऑथेंटिक रहता है तो उन सब के लिए अगर आपको कंपटीशन कम्युनिटी का क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद और ये है कि 26 सितंबर से हमारे लिए रायपुर और आपके लिए दुर्गा वो तो दोनों ब्रांच है वहाँ पे आपके लिए क्या रहा है सी सी का आपके लिए बैच आ रहा है तो आप वहाँ अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर जी अब देखिए अब अपन को पढ़ना है छत्तीसगढ़ जिसके लिए हम सबको यहाँ पे उपस्थित हुए क्लियर जी सबसे पहले आप देखिए अब चालू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ तो देखिए सबसे पहले होता है आपके पास एक देश देश किस में बटा होता है आपके पास राज्यों में अब आप, आप मेरे को यह बताओ कि सर ये राज्य किस में बटे होते हैं अब मैं कमेंट पढ़ूंगा आप देखें देश देश किसमें बढ़ते होते हैं राज्यों में अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो बोलेंगे सर डायरेक्ट में बटे होते हैं जिले में लेकिन इसके ऊपर एक और चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या संभाग अरे या सोनो तो आपको याद रखना देश देश किस में में बटा होता है। राज्यों राज्य बटे होते संभाग में संभाग बटे होते हैं जिले में अरे या सोनो तो अपन ये दूसरे रूप में और बोल सकते हैं जिलों से मिलकर संभाग बनते हैं और संभाग जब मिल जाते हैं तब क्या करते हैं एक राज्य का निर्माण करते हैं और ये जो राज्य मिलकर क्या बनाते हैं देश का निर्माण करते हैं तो देखिए भारत क्या है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसका कहने का मतलब यह होता है कि हमारे पास हम राज्य को बार बार पुनर्गठित कर सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं पूरे को जोड़ सकते हैं लेकिन हमारा भारत हमेशा एक ही रहेगा ये बोल रहा है वो क्लियर आगे बढ़े तो आपको याद रखना विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अब हम लोग चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्लियर जी अब देखते हैं कि हमारे पास छत्तीसगढ़ में हमको क्या क्या पढ़ना है ठीक है ये आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ ये आपके लिए नया छत्तीसगढ़ है जो आपके लिए तैतीस जिलों के हिसाब से क्लियर

तो आपको पांच संभाग याद रखना अब आपके लिए अपन पढ़ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ तो सबसे ऊपर संभाग याद रखना सबसे उत्तरी संभाग आपको याद रखना है ये संभाग है हमारे लिए कौन सा सरगुजा संभाग क्लियर तो पहले आपको याद रखना सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग ये अपन देख रहे हैं कौन सा ये देखिए भाई ये आपके लिए छत्तीसगढ़ मैं आपको सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि आपको क्या करे पूरा जितने आपके लिए जिले हैं उसको याद कराना है दूसरी बात सर ये जिले कैसे बनेंगे ये भी बताने क्लियर हाँ सर एग्ज़ाम में तैंतीस जिलों के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आएगा सब चीज़ ला बताऊँ सैलेंस साहू जी लेकिन मोला थोड़ा पढ़ावन तो दे अगर पढ़ाई बर्द हूँ तब तो मैं बताऊं तो सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़ में संभाग कितने संभाग है तो छत्तीसगढ़ में अपन टोटल पांच संभाग पढ़ेंगे आपको जितने यहाँ कलरफुल या रंगीन दिख रहे हैं ये आपके लिए संभाग है सबसे पहले याद रखना हमारे लिए ऊपर वाला संभाग कि ऊपर वाला कौन सा संभाग है अपने नाम पे है पहला आपको याद रखना है कौन सा सरगुजा संभाग अब यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनने स्टार्ट होगा तो यहां से आप क्लास को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहले याद रखना सरगुजा सबसे पहले है आपके लिए क्या सरगुजा संभाग दूसरा आपने पढ़ना है बिलासपुर के नाम पे तो दूसरा संभाग का नाम है आपके लिए कौन सा बिलासपुर संभाग अब आप देख रहे हो आपको मिडिल में एक आपके लिए उत्तर में हो गया दूसरा आपके लिए दक्षिण में हो गया तो दक्षिण वाले बोला जाता है आपके लिए कौन सा बस्तर संभाग ठीक है जी तो आपको याद रखना है सबसे पहले उत्तर में उत्तरी संभाग जो है उसको सरगुजा संभाग बोलते हैं उसके बाद सबसे दक्षिणी संभाग याद रखना है उसको बोलते हैं क्या बस्तर संभाग प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा रहा है ना तो आपको याद रखना है उसके बाद याद रखना है बिलासपुर बिलासपुर संभाग याद रखना कि आपको छत्तीसगढ़ के मध्य में तीन संभाग मिलेगा जिसमें पहला संभाग आपके लिए कौन सा है बिलासपुर संभाग दूसरा आपको याद रखना है एक संभाग जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं दुर्ग संभाग उसके बाद याद रखना यहां पे तो ये होगा आपके लिए कौन सा रायपुर संभाग क्लियर जी तो आपके पास है टोटल संभागों की संख्या पांच ठीक है अब देखिए सर कोरिया कोरबा को टच करेगा हां जी ये जान रहा हूं ये आपके लिए जो मैप बना है ना ये ये ऐसे होगा ये हम सब चीज आपके लिए जानते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम जब बताएंगे तो आपको एकदम टू क्लियर बताएंगे हम किसी को मिस गाइड नहीं करना चाहते क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए तो हमको याद रखना है क्या मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अब मैं सबको बताऊंगा सबसे पहले याद रखना है हमको क्या सरगुजा संभाग अपन अब कोशिश करते हैं जिन लोग पहली बार अपन पेन और कॉपी उठाए होंगे और ये सोच रहे होंगे सर की तैयारी चालू करे कैसे तैयारी चालू करे तो उनके लिए है भाई अब आगे कि हम पढ़ रहे हैं पहले पहला संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं सरगुजा संभाग अब यहीं से अपन क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन पढ़ने की एक बार कोशिश करते हैं आपको सबसे पहला प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे आपके लिए उत्तरी संभाग कौन सा है तो सबसे उत्तरी संभाग है आपके लिए सरगुजा संभाग दूसरा आपको पूछ सकता है कि बस्तर संभाग जो है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी दक्षिणी संभाग कौन सा है तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग इसी बस्तर संभाग को एक रूप में और पूछ सकता है कैसे कि आपको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन है भाई तो नीचे में आप देख रहे हो इसमें आपको पूरा मिल रहा है क्या बस्तर तो ये जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है अब देखिए अब आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन सा है तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग क्लियर जी ये हो गया सबसे उत्तरी बस्तर हो गया आपके लिए क्या दक्षिणी संभाग आप पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या आपके लिए संभाग तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग रहेगा कौन सा आपके लिए बस्तर संभाग आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन है तो आपको याद रखना है दुर्गा संभाग अब आपको एक नया प्रश्न बनेगा इस बार बन सकता है इससे पहले हम लोग क्या लेते थे जो हमारे पास बस्तर है इस बस्तर को बोला जाता था क्या कि आपके लिए ये है सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग अब ये संभाग बदल गया है क्योंकि आप देखोगे बिलासपुर में यहाँ पे एक आ गया है शक्ति आपके लिए यहाँ पे आ गया है क्या बिलयगढ़ और सारंग तो यहाँ पे पहले बिलासपुर संभाग जिलों की संख्या कितनी थी आपके लिए छ है इसी में आ गया आपके लिए क्या शक्ति इसी में आगे आपके लिए सारंगढ़ तब बिलासपुर संभाग में हो गया है जिलों की संख्या कितनी आपके पास आठ एक मुंगेली गौरेला पंडा मरवाही <coughs> बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा शक्ति सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़ तो एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है अब कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं तो आप चीजों को थोड़ा थोड़ा क्या करते चलिए पढ़ते पढ़ते चलिए यहाँ से आपके लिए श्री गणेश हो रहा है कि हमको सर क्या क्या चीजों को पढ़ना है ऐसे करके तो आपको ये चीज याद रखना है क्लियर आगे बढ़िए क्या अब देखिए अब अपन चलते हैं यहीं से हमारे लिए पहला संभाग याद करने की कोशिश करते हैं अभी उन लोग के लिए भाई जो पहली बार एकदम कोर सोजे सोजे सूखा हैं अब आए हैं रेगिस्तान में कि सर हमको यहाँ से हरियाली चाहिए क्लियर तो हमको ये चीज़ के लिए पढ़ना है कि हमारे पास सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं और वो जिलों का नाम क्या क्या है क्लियर देखिए सब हाँ सब चीज़ आपको टेलीग्राम में मिलेगा तो इसके लिए आपको एक काम करना है आपको अगर मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूं या हमारे साथ जो भी पीएससी में पढ़ाएंगे तो सबके जितने क्लास होंगे उसके हिसाब से आपको डेली बीस क्वेश्चन दिया जाएगा तो 20 बीस क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा कंपिटिशन कम्युनिटी के ऐप पर तो कम कंपिटिशन कम्युनिटी के पूरे आपको ऐप को डाउनलोड करना है आपको ये पीडीएफ भी वहीं मिलेगा दूसरी बात आप क्या करोगे जब इसको पढ़ पढ़ोगे तो आपको एक चीज होगा कि सर जितना आप पढ़ाए क्या एक जगह कंपाइल रूप में मिलेगा तो हाँ ये पूरा चीजें आपको एक जगह मिलेगा जितना आपको परिवर्तन आए हैं वो सब मिलेगा प्रीति वर्मा जी सर मैप बनाना सिखाएंगे सब बताना सिखाऊंगा पहले आप तो याद तो कर लो क्लियर आगे बढ़े क्या देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है <coughs> कोमल सर मेरा नाम है क्या कोमल साहू तो आपको याद रखना है कोमल सर तो अब आपके लिए चालू होगा कि सी का मैप कैसे चालू होगा कहाँ कहाँ कितने जिले हैं और हमको रट्टा याद होना चाहिए क्यों कल के जब मैं क्लास में आऊँगा तो ये होगा कि मैं आपके लिए मैप ड्रॉ कर दूँगा लेकिन मैं जिलों का नाम कम ही लिखूंगा तो कि मैं ये समझूंगा कि आपको चीजें आ रहे हैं करके क्लियर हाँ कोर्स अपन पढ़ाएंगे उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कोमल दूसरा याद रखना है साहू तो तीन जन इंजीनियर थे पहले इंजीनियर का नाम था आपके लिए क्या सूरज दूसरे इंजीनियर का नाम था आपके लिए क्या बलराम और तीसरा जो इंजीनियर था हमारे पास वो है केजीएफ का सुपरस्टार स्टार या इसी बोल सकते हैं हम लोग जस ये तीनों जो बेरोजगार इंजीनियर थे ये तीनों तीनों जो इंजीनियर है वो काम करने के लिए गए थे कहाँ पे एक देश पे जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कोरिया तो आपको याद रखना सूरज बलराम और आपके लिए जस तीन इंजीनियर तीनों काम करने के लिए गए कहाँ पे कोरिया लेकिन जब कोरिया गया और इसी बात टाइम पे आ गए आपके लिए कोरोना अब इन लोग रोते रोते कहां पहुंचे फिर कहां छत्तीसगढ़ और ये तीनों के तीनों आपके लिए निवासी थे कहां के सरगुजा के तो आपको याद रखना है भाई सबसे पहले तो क्या एक देश का नाम जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कोरिया आपको याद रखना है तीन लड़कों का नाम पहले लड़के का नाम सूरत दूसरे लड़के का नाम बलराम और तीसरे लड़के का नाम क्या है आपके लिए जस ये तीनों के तीनों कहा के निवासी हैं आपके लिए सरगुजा इनको सरगुजा आना है क्लियर जी तो ये तीनों तीनों कहा आना है सरगुजा अब जैसी सरगुजा पहुंचे कहां टी एस बाबा के पास टी बाबास वापस मिलने के लिए गए उधर से आ गया किसका का का फोन आ गया कि का का हमको कहाँ जाना है रायपुर जाना है सबको एम्स में बुला तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम चल रहा था सबको आपके लिए क्या कर देते थे क्वारंटाइन कर देते ओलिया देते थे धन देते थे तो आपको याद रखना सबसे पहले आपके लिए जिला है कौन सा कोरिया कोरिया के बाद याद रखना आपके लिए कौन सा सूरजपुर सूरजपुर के बाद अगला हमको जिला याद रखना है अगला जिला रहेगा हमारे लिए कौन सा बलरामपुर तो आपको याद रखना है कौन सा बलरामपुर बलरामपुर के बाद याद रखना है हमारे लिए कौन सा चौथा जिला जसपुर और चौथा जिला जसपुर के बाद पांचवा जिला हमको याद रखना है कौन सा सरगुजा अब हमको याद रखना यहाँ का छठवा और आपको याद रखना नवीनतम सरगुजा संभाग में कौन सा जिला आपके लिए नया बना है तो आपको याद रखना है क्या नवीनतम जिला तो ये है हमारे लिए कौन सा मनेन्द्रगढ़ उसके बाद याद रखना है आपके लिए क्या चिरमिरी और आपको याद रखना है यहीं पे क्या भरतपुर आपको ऐसे याद नहीं होगा सीधा सीधा याद रख सकते हैं क्या आपके लिए एम सी बी तो आपको याद रख लेना एम सी बी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आपके लिए भरतपुर अरे या सोनो तो ये जो बच्चे हैं कौन कौन सूरज बलराम और जस ये तीनों तीनों कहाँ जाना है इनको रायपुर अब ये जो आपके लिए सरगुजा संभाग है ये सरगुजा संभाग आपके लिए क्या हो जाएगा खत्म अब आगे पहुंचे अगला संभाग पड़ेगा हमारे लिए कौन सा बिलासपुर संभाग क्योंकि देखिए अगर अपन पढ़ रहे हैं कौन सा छत्तीसगढ़ का मैप तो देखिए पहला अपन क्या पढ़े थे सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग आपके लिए खत्म पहले क्या बोला मैं कोरिया दूसरा सूरजपुर तीसरा बलरामपुर चौथा जसपुर और पांचवा आपके लिए कौन सा सरगुजा सरगुजा के बाद क्या हो गया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आपके लिए पहला संभाग खत्म अब हमको याद करना है दूसरा संभाग के दूसरा संभाग में हमारे पास कौन कौन है तो अगला चलना है हमारे लिए दूसरे संभाग के लिए तो दूसरा संभाग हमारे लिए कौन सा रहेगा बिलासपुर तो आपको याद रखना है बिलासपुर तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रख लेना कोमल सर को अब कोमल सर कैसे आएंगे सब चीज बताऊंगा क्लियर आपको याद रखना है क्या ये आपके लिए ऊपर वाला जो जगह था ये है आपके लिए कौन सा सरगुजा संभाग अब हम लोग दूसरा संभाग पढ़ रहे हैं और दूसरे संभाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं बिलासपुर संभाग क्लियर जी बिलासपुर संभाग में सबसे पहले तो हमको याद रखना है हमारे लिए एक संभाग सबसे पहले तो है आपके लिए एक जिला बिलासपुर क्लियर जी बिलासपुर का ट्रेन पकड़ के हमको पहुंचना है कहाँ पे रायपुर क्लियर जी लेकिन उस टाइम पे आप देख रहे हो जब कोरोना आया था तो कोरोना का टाइम गाड़ी घोड़ा सरी करम आपके लिए बंद अरे ये सोनो तो आपको याद रखना बिलासपुर बिलासपुर से कहा किस में गए रेलगाड़ी में लेकिन रेलगाड़ी इनको मिला नहीं तो ये क्या लेके गए किस में मालगाड़ी में तो माल गाड़ी में क्या भरा हुआ था कोयला क्या भरा था कोयला तो आपको याद रखना कोयला तो कोयला से याद रखना आपको क्या कोरबा तो अगर आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला भी कौन है तो आपको याद रखना है भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बन गया है आपके आपके लिए कोरबा तो ये पहला प्रश्न अब आप आपको दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्लियर तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला ये सब अब प्रश्न परिवर्तन हो चुका है भौगोलिक परिवर्तन तो आपको ये सब प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्लियर आगे बढ़े अब देखिए ये कोयला गए अब इनको आना कहाँ है रायपुर इधर कका हमारे फोन कर दिए कि इसको टीएस बाबा को कि जितने बच्चे आए सबके सबको भेजो करके अब ये वापिस आने वाले हैं इसी मालगाड़ी में कोयला गाड़ी में अब जैसे ये आए कोयला खाली किए कोयला खाली किए पूरा कपड़ा गदगद गद ले गंदा तो आपको याद रखना ये एक जगह से क्या करेंगे कपड़ा खरीदेंगे तो आपको याद रखना है क्या जांजगीर आपको याद रखना है चांपा तो आपको याद रखना है क्या जांजगीर चांपा यहां से आपको एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा क्या बोला आपको छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रेशम के लिए या कोसा के लिए तो कोसा के लिए या रेशम के लिए सबसे ज्यादा फेमस एक जिला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जांजगीर चांपा पेपर में यह भी पूछता है क्लियर जी अब आपको पढ़ना है क्या एक का कैसे का याद रख लिए कोरबा अच्छा से याद रखना आपके लिए है ये क्या शक्ति तो आपको याद रखना है जी शक्ति क्लियर तो आपको याद रखना है पहले तो कोरबा सबसे बड़ा दूसरा याद रखना है हमारे लिए शक्ति अब ये जा कहा रहे थे रायपुर इनको ना बोर्ड देखने में गलती हो गई ये रायपुर के जगह चले गए कहा रायगढ़ अब यहां से आपके लिए एक नया अध्याय चालू होगा तो आपको याद रखना है रायगढ़ तो बिलासपुर बिलासपुर के बाद याद रखना मालगाड़ी मालगाड़ी से याद रखना आपको कोयला कोयला से याद रखना आपके लिए कपड़े गंदे हो गए थे तो कपड़े से याद रखना आपके लिए क्या जांजगीर चांपा उसके बाद जैसे कपड़ा को झाड़े हैं इन लोग कहा रायपुर जाने के लिए अंदर से शक्ति लाए कि कोई शक्ति खत्म हो गया था तो आपको याद रखना कि रायपुर के जगह कहाँ पहुंच गए रायगढ़ तो आपको याद रखना है अगला जगह अगला जगह आपके लिए कौन सा रहेगा रायगढ़ जैसी रायगढ़ गए यहां मिल गए कौन भल्लाल देव और यहां मिल गए शिवगामी देवी तो आपको याद रखना भल्लाल देव को आपको याद रखना है किसको शिवगामी <coughs> देवी को तो स से हां स से याद रखना आपके लिए क्या सारंगढ़ उसके बाद बी से याद रखना आपके लिए क्या बिलाईगढ़ तो आपको याद रखना है जिला कौन सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ तो आपको अगला एक जिला मिलेगा क्या सारंगढ़ बिलाईगढ़ अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ से निकल गए कहाँ पे रायपुर को जाने के लिए जैसी रायपुर को जाने के लिए निकले इनका पेट जो है भारी लहक रहा था भूख के मारे एकदम तड़प रहे थे कि सर कुछ तो खाने के दे दो सुबह सात बजे साग बैठे हैं आप तो आईज गए हो करके कई लोग के लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा कर आग्रह बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम कई जन बस ऐसे उठाए होंगे और पढ़ रहे होंगे करके नहीं छोटा शक्ति जिला है नहीं शक्ति जिला सबसे छोटा नहीं है भाई आपके लिए बताऊंगा कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है कौन सा जिला सबसे छोटा है करके क्लियर आगे याद रखे तो बिलासपुर से इन लोग को कहा जाना है रायपुर और जब रायपुर जाएंगे तो इन लोग क्या खाएंगे समोसा और समोसा उस दिन मिलेगा नहीं क्या खाएंगे मुंगेड़ी तो आपको याद रखना है क्या मुंगेड़ी तो मुंगेड़ी से याद रखना आपके लिए अगला एक जिला जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मुंगेली तो आपको याद रखना बिलासपुर बिलासपुर के बाद कोरबा कोरबा बाद 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 चापा, जान्गीर चापा के के क्या याद रखना सकती? सकती के बाद उसके बाद याद रखना रायगढ़, उसके ठीक लग रहा है सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो क्या बोले गुड पढ़ाई करवा रहे हो सर आपको करके तो आपको ये क्या चीज है आपको याद रखना से याद रखना आपको क्या गौरेला पी से याद रखना है क्या आपके लिए पेंड्रा और एम से याद रखना है हमको क्या मरवाही हाँ मरवाही तो आपको याद रखना है क्या गौरेला पेंड्रा मरवाही आपके लिए अगला जिला मिलेगा क्लियर जी तो आपको आगे चले क्या तो आपको याद रखना है क्या, तो रखना है क्या कौन सा बिलासपुर बिलासपुर के बाद कोरबा कोरबा के बाद जांजगीर चापा शक्ति रायगढ़ बिलाईगढ़ सारंगढ़ मुंगेली मुंगेली के बाद याद रखना गौरेला पेंड्रा मरवाही तो ये था आपके लिए कौन सा एक संभाग जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बिलासपुर अब समोसा तो मिला नहीं अब मुंगेडी खाए पहुँचे अगले जिले में अब जैसे हम पहुँच रहे थे कहाँ पर रायपुर रायपुर जैसी पहुँचे तो यहाँ एक गड़बड़ हो गया यहाँ से हमको मिल गया डॉक्टर रमन सिंह तो डॉक्टर रमन सिंह को याद करना है हमको कि डॉक्टर रमन सिंह कहाँ मिलेंगे तो हमको एक जगह याद रखना है जहाँ हमको मिलेंगे डॉक्टर रमन सिंह तो ये डॉक्टर रमन सिंह कहाँ मिलते हैं जी ये बताइए तो मुझे डॉक्टर रमन सिंह मिलेंगे एक आप चीज सुनते थे रमन डॉक्टर रमन सिंह आपको ऑलवेज मिलेंगे एक जगह कहां पे डॉक्टर रमन सिंह रमन राज तो राज से याद रखना राजनांद गांव तो आपको याद रखना गांव जैसी गांव के घर गए तब आपको एक चीज मिला क्या चाऊर वाले बाबा हाँ चाऊर वाले बाबा इसी बोलते हैं डॉक्टर रमन सिंह को जैसे राजनांदगांव गए तो यहाँ पे इनके घर गए थे एक पिक्चर देख रहे थे और पिक्चर में थे कौन आपके लिए सबसे पहले बाहुबली बाहुबली के बाद हमको मिले कौन एक जन भल्लाल देव और भल्लाल देव के साथ मिला हमको कौन एक जन देवसेना ये हमारे लिए ट्रिक है किस में दुर्ग संभाग में रायपुर संभाग में और आपके लिए कहाँ पे बस्तर संभाग में तो ये तीनों ट्रिक आपको याद रखना है कौन कौन सा बाहुबली भल लाल देव और आपको याद रखना है क्या देवसेना तो आपको याद रखना है ये आपके लिए आएगा दो ये आपके आएगा लिए तीन और ये आएगा आपके लिए चार शब्द का मतलब दो तीन चार और ये आपके लिए आएगा पांच शब्द का और राजनांदगांव छह शब्द ऑलरेडी है क्लियर अब एक क्या क्या है नाम सुनो सबसे पहले बी से याद रखना है आपको क्या बालोद दो से याद रखना केवल क्या दुर्ग तो इस संभाग में अगर हम पहला जिला देखें तो पहला जिला आपके लिए कौन सा दुर्गा दी से याद रखना देवसेना देवसेना मतलब आपको याद रखना है क्या दुर्ग उसके बाद याद रखना है आपको क्या बी बी से याद रखना है आपको क्या बालोद उसके बाद बी चौथा से याद रखना है आपके लिए क्या बे में तरा क्लियर जी कमेंट करके बताइए तो ये कौन सा जगह है आपके लिए रमन सिंह और ये वाला जगह कौन सा है आपके लिए कबीर धाम आप ये गांव में आप पहले ये दोनों जगह नहीं पढ़ते थे तो ये दोनों जगह कौन कौन है आपको ये याद रखना है क्लियर जी तो ये और ये जगह याद रखना है आपको तो कोमल सर आपको सीजी पढ़ा रहे हैं क्या तो आपको याद रखना कोमल सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं सीजी जी तो कैसे याद रखना है आपके लिए क्या खैरागढ़ सी से याद रखना है आपको क्या छुई खदान और आपकी जी से याद रखना है आपके लिए कौन सा एक जगह कौन सा आपके लिए गंडई तो आपको याद रखना है राजनांदगांव से टूट कर एक आपके लिए नया जिला बना है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं खैरागढ़ छुई खदान और आपके लिए कौन सा गंडई क्लियर जी अब आगे चलते हैं कि सर ये नीचे वाला जिला हमारे लिए कौन सा है जो राजनांदगांव से टूट कर आपके लिए अलग हुआ है अरे ये या तो आपको याद रखना क्या एम एम ए तो आपको याद रखना एम से आपके लिए क्या आएगा मोहेला उसके बाद याद रखना आपके लिए क्या मानपुर उसके बाद याद रखना आपके लिए क्या अंबागढ़ चौकी देखिए भाई ये जो क्लास है हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो पहली बार सोचते हैं कि सर हमको अगर तैयारी करना है तो हम कहाँ से करें करके जिनको आ रहे हैं उनके लिए अच्छा बात है दूसरी बात जब हम इसमें एक और नया चीज़ होगा जब भी आप अगर संभाग के हिसाब से किसी जिले को याद करते हैं तो आपके लिए एक नया चीज़ हो जाता है कि आपको पूरा का पूरा लोकेशन क्लियर रहता है कि सर अगर मेरे लिए बलरामपुर पढ़ रहा है कहाँ पढ़ रहा है अगर मेरे लिए राजनांदगांव पढ़ रहा है कहाँ पढ़ रहा है तो सब चीज़ों को हमको देखते देखते सीखते सीखते चलना है क्लियर तो आपको याद रखना मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी तो इसमें पहले आपके लिए टोटल कितने जिले पड़ते थे पांच अब ये टोटल जिले हो गए सात तो उसमें खैरागढ़ खदान गंडई नया बना है मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नया बना है तो आपको याद रखना अम्बागढ़ चौकी क्लियर जी अब अगला जिला आएगा अगला संभाग आएगा हमारे लिए कौन सा अगला संभाग है हमारे लिए रायपुर संभाग अब देखिए रायपुर संभाग की बात होगी तो ये रहेगा हमारे लिए क्या रायपुर ये अपन पढ़ लिए रायपुर रायपुर अब फिर में हमको कौन मिलेगा बाहुबली और देवसेना तो हमको याद रखना भलाल देव को और बाहुबली को हमको याद रखना है किसको देवसेना को क्लियर जी तो ये पढ़ रहे हैं अपन रायपुर तो रायपुर में सबसे पहले बाहुबली और आपको याद रखना बल देव तो ये है आपके लिए कौन सा बाजार और आपको याद रखना बी बी से याद रखना आपके लिए क्या भांटा पारा आपको डायरेक्ट नाम ले दिया जाता है किसका बलौदा बाजार का या आपको बोला जाए बलौदा बाजार भांटा पारा दोनों एक ही चीज है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अब अपन रायपुर वाले रायपुर वाले जैसे मुंह उठा के कहाँ चल देते हैं सीधा सीधा गंगरेल डैम तो गंगरेल डैम आपको पड़ता कहाँ है जी तो हमको याद रखना है डी डी से याद रखना है देवसेना और डी से याद रखना है हमको क्या धमतरी तो आपको याद रखना है एक जगह कौन सा धमतरी एक नया जिला देखिए ये है आपके लिए चार शब्द ये आपके लिए चार और चार के बाद आएगा पाँच पाँच के बाद फिर पाँच और पाँच के बाद आ जाएगा यहाँ पे छः बालाउदा बाजार अगर एक लाइन में देखे तो तो ये धमतरी धमतरी के बाद याद रखना है आपके लिए एक नया जगह जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं गरिया बन तो आपको याद रखना है कौन सा जगह गरिया बन ये गरिया बन खत्म ऊपर याद रखना है हमको कौन सा जगह महा समूह तो आपको याद रखना है महासमुंद क्लियर जी तो आपको याद रखना है रायपुर आपको याद रखना है बलौदा बाजार भांटापारा आपको याद रखना है धमतरी आपको याद रखना है गरियाबंद आपको याद रखना कहा महासमुंद ये है छत्तीसगढ़ का एक और संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं रायपुर संभाग रायपुर संभाग में आपके लिए अभी वर्तमान पांच जिले क्लियर आगे चले क्या अब अगला संभाग हमारे लिए कौन सा आएगा बस्तर संभाग ये बस्तर संभाग आपको याद करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास इसमें क्या क्या है सबसे पहली बात तो आप ये याद रखो कि आपके लिए अगर ये बस्तर संभाग है तो बस्तर संभाग सबसे दक्षिणी संभाग है जहां से आपको प्रश्न आएगा दूसरा आपको याद रखना सबसे बड़ा संभाग है ये क्लियर जी अब याद रखना है यहाँ की यहाँ क्या क्या नाम आता है सर ऐसा करके तो सबसे पहले याद रखना है क्या कोमल सर को ठीक है यहाँ काका भी घूमने गए थे बस्तर तो बस्तर आपको पता होगा ठीक है जी तो आपको याद रखना है किसको का तो याद रखना है यहां पे भी कौन आएगा बाहुबली यहां कौन आएगा भल्लाल देव और यहां कौन आएगी देवसेना तो हमको याद रखना बाहुबली हमको याद रखना भल्लाल देव हमको याद रखना है किसको देव देवसेना को क्लियर जी तो सबसे पहली याद रखना है बी बी से याद रखना ये बस्तर क्लियर जी तो आपको याद रखना है हमारे लिए कौन सा जगह बस्तर बस्तर के बाद बी से याद रखना हमारे लिए कौन सा जगह बीजा तो आपको याद रखना है एक साइड से कौन सा जगह बस्तर दूसरे जगह से याद रखना हमको कौन सा बीजापुर ये डी से याद रखना एक फेमस मंदिर है एक फेमस माता का है। वो मंदिर है हमारे लिए कौन सा दंतेश्वरी माता तो आपको याद रखना दंतेश्वरी माता का आपके लिए मंदिर है तो एक साइड बस्तर दूसरे साइड बीजापुर तीसरे साइड याद रखना आपके लिए कौन सा दंतेश्वरी माता का मंदिर अगर कोई क्या है दंतेश्वरी माता है तो कोई न कोई भगवान भी होंगे क्या तो पृथ्वी के पालन करता एक भगवान का नाम है उस भगवान को बोला जाता है भगवान नारायण तो आपको याद रखना यहाँ से एक नया जिला जिसे हम क्या बोलेंगे नारायणपुर तो आपको याद रखना नारायणपुर क्लियर जी और अगर इधर कोमल सर हैं तो दूसरा सर भी आएंगे ठीक है तो कैसे याद रखना है हमको क्या कांकेर और उससे एस से याद रखना है हमको क्या सुकुमा तो आपको याद रखना का से कांकेर एस से सुकमा इधर के से याद रखना है हमारे लिए कौन सा कोंडा गांव। क्लियर जी तो आपको एकदम टू क्लियर होना चाहिए कि अगर सर मैं छत्तीसगढ़ में कितने तैतीस अगर जिले पढ़ रहा हूं तो मेरे को तैतीस जिले रट्टा याद है करके तो सबसे नीचे में जिला पड़ेगा कौन सा सुकमा क्लियर अब देखते हैं कि अपन कौन कौन सा तैतीस जिला पड़े हैं क्लियर ये आपको तैतीस जिला दिखाई दे रहा है लेकिन आपको याद होना चाहिए तैतीस जिला कौन कौन सा है एक बार फिर से लिख के देखिए क्या आपको याद आना चाहिए कहानी <coughs> देखिए सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे एक संभाग उस संभाग का नाम क्या था हमारे लिए सरगुजा संभाग आप चीजों को एक बार दो बार दस बार पढ़ना पड़ेगा आपको पहले दूसरे क्लास में अपना माथा भारी खपाना पड़ेगा तब जाके आपको चीजें याद होगी तो पहले याद रखना कौन सा सरगुजा संभाग इसमें कौन था कोमल सर थे तो आपको याद रखना है कौन कोमल सर तो कैसे हम लोग क्या बोले थे कोरिया कोरिया से तीन लड़के आ रहे थे पहले लड़के का नाम क्या था आपके लिए सूरज दूसरे लड़के का नाम क्या था आपके लिए बलराम और तीसरे लड़के का आपको नाम याद रखना है कौन यश और यश को ही हम लोग क्या बोले थे जस क्लियर जी तो ये तीन बेरोजगार इंजीनियर का नाम आपको याद रखना है स से याद रखना है सूरजपुर ब से याद रखना है बलरामपुर और उसके बाद याद रखना है क्या जसपुर जसपुर के बाद पांचवा पांचवा से याद रखना आपके लिए क्या एक संभाग के नाम पर एक जिला जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे सरगुजा जिला आपको याद रखना ये कोरिया से कर आपके आपके लिए लिए इस संभाग का छठवा क्या मिला है जिला क्लियर जी तो आपको याद रखना है तो हम लोग क्या बोले थे एम सी और बी तो आपको याद रखना एम सी बी तो एम से याद रखना आपके लिए कौन सा मनेन्द्रगढ़ क्लियर जी सी से याद रखना है आपके लिए कौन सा चिरमिरी और उसके बाद क्या याद रखना बी बी से याद रखना आपके लिए कौन सा भरतपुर आपको रट याद होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो और ये सोचोगे कि सर आज का भात कल खाएंगे नहीं खाओगे ना तो आज का खाना अगर आज खाना है आज आज का क्लास आज ही पढ़ना है आपको क्लियर आगे बढ़े क्या तो ये था सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग क्या आपके लिए छह जिले उसके बाद अगर हम इसी में देखेंगे तो अगला हमको एक और संभाग मिला था वो संभाग था हमारे लिए कौन सा बिलासपुर तो बिलासपुर में मैं क्या बोला था आपको ये हो गया अभी सबसे ज्यादा जिलों वाला आपके लिए कौन सा संभाग सबसे पहले क्या बोला था बिलासपुर में आपके लिए बिलासपुर इसी बिलासपुर से अपन क्या कर रहे थे ट्रेन पकड़ के कहा आ रहे थे रायपुर तो आपको रायपुर याद रखना है तो आप जब गाड़ी नहीं मिला आपको तो आप किससे आए थे मालगाड़ी माल मालगाड़ी में आपके लिए क्या था कोयला कोयला मतलब क्या बोला था आपको मैं कोरबा क्लियर जी उसके बाद क्या बोला जब कोरबा गए आप मालगाड़ी का आपको खुद को खाली करना पड़ा था जब आप खुद खाली किए थे क्लियर जी तो आपको याद रखना क्या कितने खाली किए थे तो आपको याद रखना कहाँ खाली किए थे कोरबा में कपड़ा आपका गंदा हुआ कहाँ कपड़ा लिए थे आपको याद रखना एक जगह कौन सा जांजगीर चांपा जांजगीर चापा में अपन कपड़ा लिए थे उसके बाद हमको जाना कहाँ था रायपुर हम पहुँच कहाँ गए रायगढ़ तो आपको याद रखना है कि जिला फिर से कौन सा रायगढ़ उसके बाद हमको याद रखना है कि पांचवा कौन सा था आपके लिए शक्ति इसी शक्ति कि में किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति था आपको याद रखना किसके पास बाहुबली उसके बाद याद रखना आपको क्या शिवगामी देवी तो आपको याद रखना कौन सा सारंगढ़ आपको याद रखना है क्या बिलाईगढ़ क्लियर जी उसके बाद याद रखना है बिलासपुर से टूट के आपके लिए क्या बना था गौरेला पिंडरा मरवाही तो आपको याद रखना है क्या गोरेला पेंड्रा मरवाही क्लियर जी तो आपके लिए हुआ बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा उसके बाद याद रखना है रायगढ़ रायगढ़ के बाद है आपके लिए बिलाईगढ़ सारंगढ़ आपको याद रखना सख्ती गौरेला पेंड्रा मरवाही आपके पास है जांजगीर चांपा तो ये है आपके लिए टोटल कितने आठ जिले क्लियर आगे बढ़े आपको शेड्यूल वेड्यूल सब मिल जाएगा अभी आपको चुपचाप पढ़ाई करना है शुरू के आपके लिए जो 10-12 क्लास रहेगा इसमें हम लोग टोटल बताएंगे छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन उसी इंट्रोडक्शन पे अपन क्या देखेंगे जितना हमारे पास जिला परिदर्शन है तो जिला परिदर्शन में हम लोग टोटल पहले के अट्ठाईस को तो पढ़ते हैं इस बार के जो आपको पांच अभी नए जिले मिले हैं उन सब जिलों को भी बताएंगे आपको पी मिल जाएगा तो उस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है साथ में जितनी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीजों का आपको क्या करना है जी आप देखोगे तो इन सभी चीजों के लिए आप हमारे ऐप में जा सकते हैं आपको क्या हो जाएगा आप वहां जाके अपन टेस्ट दे सकते हैं अपन देखते हैं आगे हाँ जांजगीर चांपा दो बार लिखा गया है हम लोग लास्ट में काय खाए थे मुंगेड़ी तो आपको याद रखना हम लोग को याद रखना मुंगेड़ी तो मुंगेड़ी से याद रखना हम लोग को क्या मुंगेली आपको आगे चले क्या अगला हमारे लिए संभाग पड़ा था कौन सा दुर्गा संभाग तो दुर्गा संभाग में हम टोटल पहले कितने जिले देखते थे पांच तो पांच जिले में सबसे पहले आपको क्या बोला था रमन राज तो आपको याद रखना सबसे पहले कौन सा चौर वाले बाबा आपको याद रखना है राजनांदगांव क्लियर जी राजनांदगांव से याद रखना दूसरा आपके लिए कौन सा कबीर तो आपको याद रखना अगला एक जिला जिसे जी हम क्या बोल रहे हैं कबीरधाम उसके बाद याद रखना है हमको यहाँ से क्या बाहुबली आपको याद रखना है देवसेना आपको याद रखना बाहुबली आपको याद रखना भल देव आपको याद रखना है किसको देवसेना तो आपको याद रखना है बी तो ये क्या था दो ये आपके लिए था तीन और ये याद रखना चार तो आपको याद रखना दो से था आपके लिए कौन सा दुर्गा उसके बाद तीन से था आपके लिए बालोद उसके बाद चार से था आपके लिए कौन सा बे में तरा अब चलते हैं किसके लिए इस गांव के लिए गांव से टूट कर दो नए जिलों का सृजन हुआ है पहला एक जिला है और दूसरा एक जिला तो आपको सी कौन पढ़ा रहे हैं कोमल सर तो आपको याद रखना यहां से कोमल सर सीजी <coughs> तो तो कैसे याद रखना आपके लिए क्या गढ़ उसके बाद सी से याद रखना आपके लिए क्या छूही या छुई खदान उसके बाद याद रखना जी जी से याद रखना आपके लिए कौन सा गंडई उसके बाद याद रखना आपके लिए हो गया छठवा जिला ये आपके लिए याद रखना क्या सातवा जिला सातवा जिला था हमारे लिए एम एम ए देखिए भाई अगर आपको पहले से चीजें आ रही है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं अगर मैं आपको याद करा दे रहा हूं यही मेरा आने का उद्देश्य था मैं आपको चीजों को पढ़ा पाऊं, आपको याद करा पाऊं, ताकि जब आप कल मेरे से मिले अगले क्लास में तो आप पूरा कॉन्फिडेंट होकर बैठे कि सर हमको चीजें आ रही है क्लियर आपको याद रखना अगला अगला है हमारे लिए कौन सा मोहेला आपको याद रखना है मानपुर और आपको याद रखना है क्या अंबागढ़? चौकी क्लियर जी तो ये था हमारे लिए कौन सा संभाग दुर्ग संभाग <coughs> अगला अगला चलते हैं अपन किसके लिए रायपुर संभाग के लिए तो रायपुर संभाग में अपन सबसे पहला जिला कौन सा पढ़े थे रायपुर फिर यहाँ आया था आपके लिए कौन बाहुबली और भल्लाल देव उसके बाद आया था आपके लिए कौन देवसेना तो आपको याद रखना बी से आपके लिए क्या आएगा बलौदा बाजार उसके बाद डी से याद रखना बलौदा बाजार इसी को बलौदा बाजार भांटा पारा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी पोटा में किसी के पेट में किसी गुर्दा में किसी फेफड़ा में किसी किडनी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए डी से याद रखना हम लोग एक मिनी गोवा जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं एक जगह याद रखना है कौन सा धमतरी तो आपको याद रखना था क्या धमतरी धमतरी के बाद चौथा उसके बाद अपन को पढ़ना है पांचवा तो पांचवा चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा माँ से याद रखना आपके लिए गोवा कहाँ मिलेगा समुद्र किनारे में तो आपको याद रखना क्या महासमुंद उसके बाद याद रखना क्या जे इससे पांचवा नंबर में तो पांचवा नंबर में याद रखना आपके लिए कौन सा एक जिला गरिया बन तो ये था हमारे लिए कौन सा <kuh> जिला एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे थे संभाग संभागों संभाग कौन सा था आपके लिए रायपुर संभाग अब हमको चलना है किसके लिए बस्तर संभाग के लिए अब बस्तर संभाग में क्या बोले थे जी सबसे पहले कोमल और दूसरा बोला था मैं आपके लिए सर अरे सुनो उसके बाद इसी में क्या कौन आता था बाहुबली इसी में आता था भल देव इसी में आता था आपके लिए कौन सा देवसेना तो से याद रखना सबसे पहले आपके लिए क्या कांकेर एस से याद रखना आपके लिए क्या सुकमा उसके बाद बी से याद रखना इसी में क्या बस्तर उसके बाद क्या पढ़े थे इसी में हम लोग बीजापुर उसके बाद डी से याद रखना इसी में हम पढ़े थे क्या वाड़ा उसके बाद याद रखना हमको सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे इसी में क्या नारायणपुर क्लियर जी ये था आपके लिए ये सब चीजें अब हमको चलना है आगे ठीक देखिए छत्तीसगढ़ संभाग एक बार फिर से देख लेते हैं ये है आपके लिए टोटल तैतीस जिले कल जो क्लास रहेगा इसमें मैं क्या करूंगा किसका बाउंड्री किससे टच करता है ये सब चीजें आपको बताऊंगा अब आगे पढ़ना है जो हमारे लिए काम का है क्लियर अब देखिए देखिए जी अपन संभाग पढ़े थे क्या उसमें मैं बताया था क्या आप बस्तर आपके लिए क्या है सबसे बड़ा संभाग है आजकल पेपर ऊपर नीचे पूछता है आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा संभाग कौन है आपके लिए पूछेगा सबसे छोटा संभाग कौन है लेकिन जब किस्मत विकट खराब होता है ना तो आप जो कुकुर पाले रहोगे वो कुकुर भी आपको आग चाप देता है गड़बड़ हो जाएगा तब आपको याद रखना है चार पांच ऑप्शन है इसमें चार ऑप्शन दे देगा बोलेगा कि आपके लिए घटते क्रम में जमाओ या आपके लिए बढ़ते क्रम में जमाओ तो इसके लिए आपको चीज चाहिए रहेगा कि आपको याद हो तो आपको याद रखना है सबसे नीचे पहला आएगा उसके बाद सबसे ऊपर सबसे दूसरा आएगा तो ये सबसे नीचे था क्या बस्तर उसके बाद क्या पढ़े सरगुजा सबसे छोटा तो आपको मैं बता दिया था कौन सा दुर्ग, दुर्ग के बाजून क्या पड़ता है आपके लिए रायपुर और बीच में आपके लिए कौन सा आ जाएगा बिलासपुर तो आपको इसका क्रम याद रखना है कि कौन सा तो सबसे पहले आपके लिए बस्तर है बस्तर के बाद आपको बोलेगा बिलासपुर संभाग बिलासपुर संभाग के बाद याद रखना है आपके लिए कौन सा सॉरी सरगुजा संभाग सरगुजा के बाद आपको याद रखना है क्या बिलासपुर संभाग उसके बाद याद रखना है आपको रायपुर संभाग और रायपुर संभाग के बाद याद रखना है आपके लिए कौन सा दुर्गा संभाग इसको बढ़ते या घटते क्रम में पूछ सकता है तो आपको ऐसा याद होना चाहिए क्लियर जी आगे चले क्या देखिए अब अपन चलते हैं भू अवेषित जिला कि हमारे लिए भू अवेस्थित जिला क्या चीज होता है अब भू अवेस्थित जिला को पढ़ने के पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि भू अवेस्थित राज्य क्या होता है तो जिसको भू अविष्ठित राज्य पता रहेगा वो बता सकता है कि आपके लिए क्या भू अवेस्थित जिला क्या होता है तो कोई भी राज्य होता है उसका एक जलीय सीमा होता है और दूसरा होता है आपके लिए कौन सा थलीय सीमा क्या बोला आपके लिए मैं पहला सीमा होता है जली सीमा दूसरा होता है थली सीमा ये जली सीमा मतलब बोल रहा है कि इसका कोई क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा है क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करता है और दूसरा सॉरी ये थली सीमा का होगा दूसरा आपको याद रखना है कि इसका जली जली सीमा मतलब बोल रहा है वो क्या इसका कोई समुद्री सीमा है क्या देखिए, अब आपको बोल रहा है भू अविस्थित राज्य तो छत्तीसगढ़ जो है आपके लिए भू अविस्थित राज्य है वो कैसे इसको मैं बता रहा हूं देखिए। सबसे पहले जब अपन छत्तीसगढ़ का थली सीमा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ किसी भी हमारे पड़ोसी जो देश हैं उसके साथ अपना क्या नहीं बनाता बाउंड्री नहीं बनाता दूसरा याद रखना है हमारे लिए कौन सा जली सीमा तो जली सीमा में देखोगे क्या हमको क्या देखना है समुद्री सीमा तो क्या छत्तीसगढ़ के आजू बाजू में आपके लिए वो मिलता है क्या कोई समुद्र मिलता है क्या नहीं मिलता ना तो इसके लिए दो कंडीशन है भू अवेस्थित राज्य के लिए आपका कोई न... कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं होना चाहिए और दूसरा आपके लिए कोई समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए इसीलिए हमारा जो राज्य छत्तीसगढ़ है आपको याद रखना भू अवेषित जिला भू अवेष्ठित जिला का भी आपके लिए दो कंडीशन हो जाएगा पहले तो थली थली सीमा देखेंगे तो हमारे क्या है पड़ोसी राज्य है। तो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ पड़ोसी राज्य के साथ क्या नहीं होना चाहिए सीमा नहीं होना चाहिए पहला बात दूसरा आपके लिए क्या पूछेगा इसी में आपके पास समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए जब हमारे पास समुद्र ही नहीं है तो हमारा समुद्री सीमा कैसे होगा तो ये वाला तो बात कोई क्लियर हो जाएगा तो देखिए अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिला इसी को हम लोग बोल देंगे क्या लैंडलॉक बोला जाता है जी अगर आप लैंडलॉक जिलों की बात करें तो सबसे पहले हमको देखना है क्या सरगुजा तो ये है हमारे लिए सरगुजा आप देख रहे हो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर बलरामपुर आजू बाजू किसी ना किसी हमारे क्या पड़ोसी राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करेंगे लेकिन आप सरगुजा देख रहे हो सरगुजा किसी भी हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या नहीं बना रहा है सीमा नहीं बना रहा है उसके बाद चलते हैं कोरबा के लिए कोरबा हमारे लिए बीच में पड़ा तो हमको याद रखना है क्या कोरबा ये जो कोरबा है ये कोरबा भी किसी के साथ अपना सीमा नहीं बना रहा है उसके बाद इधर देखना है कौन सा बिलासपुर जांजगीर चांपा और शक्ति उसके बाद अपन चलते हैं किसके लिए दुर्गा संभाग में इधर या तो मध्य प्रदेश के साथ बनाएगा या महाराष्ट्र के साथ अपना बाउंड्री बनाएगा तो हमको याद रखना है आपको फिर याद रखना है किसको भललाल देव और बाहुबली मतलब आपको याद रखना है बलौदा बजा और सबसे नीचे देखोगे कौन सा दंतेवाड़ा तो दंतेवाड़ा भी क्या है किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता क्लियर जी ये शुरू में आपके लिए कितने हैं देखो एक, दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस अरे या सोनो। एक, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये आपको याद रखना शक्ति तो ये जो शक्ति है ये शक्ति से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि आपके लिए नवीनतम मतलब बात कर रहा है वो लेटेस्ट की तो लेटेस्ट आपके लिए कौन सा भू अविष्ठित जिला कौन सा है तो आपको याद रखना लेटेस्ट भू अविष्ठित जिला कौन सा है तो आपके लिए नवीनतम भू अविष्ठित जिला कौन सा हो जाएगा शक्ति अब ये टोटल देख लेते हैं किसका नाम कौन कौन है सबसे पहले सरगुजा में आपके लिए क्या था सरगुजा उसके बाद आप बिलासपुर संभाग में देखोगे तो ये हो गया आपके लिए सरगुजा संभाग में उसके बाद आप देखोगे कहाँ बिलासपुर संभाग में तो बिलासपुर संभाग में आपके लिए कोरबा जांजगीर चांपा अरैया उसके बाद है आपके लिए बिलासपुर उसके बाद आप देखोगे दुर्ग में तो ये तीनों पड़ेगा आपके लिए कहाँ दुर्ग संभाग में उसके बाद अगर हम लोग चले रायपुर में तो रायपुर में मिलेगा आपको दो ये शुरू में नौ थे उसके बाद ये आपके लिए कहाँ पड़ेगा बस्तर संभाग में अब देखिए बिलासपुर से जब टूट के अलग हुआ क्या आपके लिए गौरेला पेंडम मरवाही तो गौरेला पेंडम मरवाही के अलग होने के बाद आपके लिए दसवा बना था कौन सा बिलासपुर और अभी आपके लिए नवीनतम है नवीनतम भू अवेष्ठित जिला तो आपको याद रखना सकती शक्ति आपके लिए है नवीनतम भू अवेष्ठित जिला यही पूछ सकता है तो अभी आपको अगर पूछा जाएगा कि राज्य में टोटल कितने डिस्ट्रिक्स हैं या आपको पूछा जाएगा राज्य में कितने भू आवेष्टित जिले हैं आपको बताना है ग्यारह ग्यारह में नवीनतम कौन सा है आपके लिए शक्ति तो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आपको चलना है क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला अगला याद रखना है हमको राज्य का स्थिति या विस्तार कि अगर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील कौन है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी तहसील कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी तहसील कौन सा है और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी तहसील कौन सा है और छत्तीसगढ़ जो है वो कितना इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है कितना इसका पूर्वी देशांतर में विस्तार है और अगर किलोमीटर देखा जाए तो कितना से कितना किलोमीटर लंबा और कितना से कितना किलोमीटर वो चौड़ा है ये सब चीजें हम डील करने वाले इसमें क्लियर जी अब देखिए जब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का मैप तो छत्तीसगढ़ के मैप में अपन एक चीज देखते हैं की ये देखिए अपन बलरामपुर सबसे ऊपर पढ़े थे क्या तो ये बलरामपुर है तो आपको याद रखना बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है भाई तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है आपके लिए कौन सा बलरामपुर आपको याद रखना है ये सुकमा ये बलरामपुर सबसे ऊपर है दूसरा याद रखना है नीचे सबसे नीचे सुकमा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी आपके लिए जो जिला है उस जिला को बोला जाता है आपके लिए कौन सा सुकमा अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ में सबसे पश्चिमी सॉरी सबसे पूर्वी तो ये है आपके लिए सबसे पूर्वी जिला अरे यह सोनो अब आपको पूछेगा सबसे आपके लिए पश्चिमी बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर ये राजनांदगांव है कि ये बीजापुर है तो आपको याद रखना भाई बीजापुर ये बीजापुर सबसे पश्चिमी आपके लिए क्या है जिला है तो आपको ये चार प्रश्न और पूछ सकता है कि छत छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है क्लियर जी ये चार आपको प्रश्न है यहाँ अब आपको ये चार प्रश्न और पूछेगा कि अगर ये बलरामपुर है तो अगर छत्तीसगढ़ में टोटल तहसील है उसमें सबसे री तहसील कौन सा है तो ये आपके लिए क्या जिला तो पता चल गया कौन सा बलरामपुर तो एक है बलराम क्या लिख रहे हैं हम लोग बलराम तो आपको ये राम बस पढ़ना है भैया ये राम को आप पकड़ लोगे आपका काम हो जाएगा बोलते हैं ना राम नाम जपने से पूरा भवसागर से आप पार हो जाओगे तो आपको यही राम का नाम जपना है रामाนุजगंज तो आपको याद रखना रामानुजगंज आपके लिए कहाँ पड़ता है बलरामपुर जिले पे तो आपके लिए रामानुजगंज जो तहसील है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील है ये आपको ये पूछा जाता है भाई आपके लिए मैं यही लिखा हूं अगर आप देखोगे देखिए सबसे उत्तरी जिला सबसे दक्षिणी जिला अब दक्षिणी जिला मतलब इसको बोल सकता है क्या दक्षिणतम दक्षिण में भी सबसे दक्षिण तो इसको बोला जाता है या सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा या इसी को घुमा के अगर पेपर हार्ड करेगा तो सबसे दक्षिणी जिला ना बोल के बोल देगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है तो आपको याद रखना है सुकमा आपको उत्तरी जिला पूछेगा तो आपको बताना है क्या बलरामपुर या इसी को पूछ देगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला है आपके लिए कौन सा बलरामपुर अब आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो आपको बताना है कौन सा जिला जसपुर आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला तो आपको बताना है कौन सा बीजापुर सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर अब आपको पूछेगा देखिए उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ये देख लिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी अब वो पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील तो ये है भाई राम ये है आपके लिए राम तो आपको याद रखना क्या रामानुजगंज आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील आपको ये सब पेपर में प्रश्न पूछ सकता है भाई और पूछा जाता है तो आपको ऐसी चीजों पढ़ते पढ़ते चलना है आपको याद रखना घर का जो आखिरी कोना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोंटा तो आपको अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम या दक्षिणी बोले दक्षिणतम या दक्षिणी आपके लिए तहसील कौन सा है तो आप बताएंगे किसको कोंटा को अब आपको अगर पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी तहसील सबसे पश्चिमी तहसील तब आप बताएंगे किसको भोपाल पटनम को यस और नो ये जसपुर को याद रखना जसपुर में आपके लिए जसपुर एक तहसील है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जसपुर नगर तहसील भी बोलते हैं तो ये आपके लिए याद रखना सबसे क्या हो जाएगा पूर्वी तहसील हो जाएगा क्लियर जी अब देखिए ये तो होगी आपको आठ क्वेश्चन यहाँ से कि चार जिलों में और चार तहसीलों में अरे या सोनो अब आपको ये पूछता है कि अगर छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो ये कितना से कितना जाता है करके तो आपको याद रखना दो ठो वर्ल्ड कप सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सर कई लोग को भारी कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन क्या चीज़ होता है देखिए अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं स्थिति और विस्तार तो स्थिति विस्तार में अगर आप चीजों को देखोगे तो आपके पास एक चीज होता है क्या वो होता है है कि अगर आप ऐसे पृथ्वी बनाएं गोल तो इस पृथ्वी गोल में आपको भारत कहाँ पड़ता है ये इंपॉर्टेंट ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध में कहा पढ़ते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध में अब अगर देशांतर देखा जाए तो इसको बोला जाता है क्या पश्चिमी देशांतर ये मतलब इधर की बात हो रही है और इधर को बोला जाता है क्या पूर्वी देशांतर अब बच्चों के दिमाग में ना भारी टेंशन ये रहता है कि सर अगर हम बात करें किसका उत्तरी गोलार्ध का हम बात करें पूर्वी देशांतर का तो छत्तीसगढ़ किधर से आता है अब देखिए अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाया अब वो छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनता है अपन को ये देखिए अब अगर आपको पूछा जा रहा है कि ये हिस्सा और आपके लिए ये हिस्सा आपके लिए ये हिस्सा और आपके लिए ये हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है और यहाँ से यहाँ तक लंबा है तो सर अगर हम बलरामपुर से सुकमा आएंगे तो क्या हम लोग उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश आएंगे क्या और क्या हम लोग अगर पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं तब तो ठीक है कि पूर्वी आपके लिए देशांतर हो जाएंगे फिर कई लोग क्या पूछते हैं सर अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो आपके लिए पश्चिमी देशांतर हो जाएगा क्या उसी के लिए बता रहा हूं भाई आप याद रखना अगर भारत है ये आपके लिए क्या था भारत अगर भारत है ये और भारत अगर किस में आ रहा है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में तो जब भारत हमेशा हमेशा वर्ड बोल रहा हूं इस चीज में आपको ध्यान देना यह हमेशा आपके लिए क्या रहेगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश रहेगा। आप नीचे से चाहे कन्याकुमारी से आप कश्मीर जाओ चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी आओ हमेशा आप उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश रहोगे मतलब अगर मैं छत्तीसगढ़ में आपको बोलूँगा कहाँ से ऊपर में सबसे ऊपर आपके लिए क्या पड़ रहा है बलरामपुर पड़ रहा है और नीचे में सबसे नीचे आपके लिए क्या पड़ता है सुकमा तो अगर हम बलरामपुर से सुकमा आ रहे हैं चाहे सुकमा से बलरामपुर जा रहे हैं हमेशा हम उत्तर उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि सर यहाँ से दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तो कई लोग को यही लगता है कि सर अगर दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं ठीक है दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश जा रहे हैं या बलरामपुर से सुकमा आ रहे हैं तो सर उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप हमेशा किस में हो भारत अगर उत्तरी अक्षांश में है तो भारत के अंदर छत्तीसगढ़ आता है ना तो छत्तीसगढ़ में याद रखना उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूर्वी देशांतर अगर भारत की जो अवस्थिति है वो आपके अगर पूर्वी देशांतर में है तो वो हमेशा चाहे पूर्व से पश्चिम चलो चाहे पश्चिम से पूर्व चलो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा पूर्वी देशांतर रहेगा अरे सोनो तो देखिए तो आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं अस्सी डिग्री पंद्रह मिनट से चौरासी डिग्री पच्चीस मिनट तक जा रहे हैं मतलब ये हमारे लिए जगह कौन सा है भोपालपटनम बीजापुर से अगर हम जसपुर जा रहे हैं तो हम हमेशा किस में रहेंगे पूर्वी देशांतर में इसीलिए आपको चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ तो आपको याद रखना 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर चौरासी डिग्री पूर्वी देशांतर तक ही रहेंगे या फिर चौरासी डिग्री चौरासी हाँ, डिग्री पच्चीस मिनट से अस्सी डिग्री पंद्रह मिनट है आपको इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आपके लिए देशांतर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा ये हमेशा पूर्वी देशांतर होगा दूसरा आपको याद रखना आप ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर आओ आप हमेशा किस में रहोगे उत्तरी अक्षांश में तो आपको याद रखना उत्तरी अक्षांश अरे या सुनो तो आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ का जो क्या है आपका देशांतरिक विस्तार देखोगे तो 80 डिग्री 15 मिनट से चौरासी डिग्री 25 मिनट तक है तो ये आपके लिए कितना है लगभग चार डिग्री अरे या सुनो और अगर आप देखोगे कहाँ यहाँ 17 डिग्री है और यहाँ आपके लिए क्या है चौबीस डिग्री ये आपके लिए छियालीस मिनट उधर आप देख रहे हो पाँच मिनट तो ये आप देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो क्या होता है हमको पता है कि एक जो मिनट होता है एक अंश जो होता है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है अरे या सोनो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या चार डिग्री कितना था जी आपके लिए 80 से चौरासी था और इधर अपना क्या था 15 मिनट से 25 मिनट था तो लगभग मैं इसको चार को ले लिया तो अगर चार को अगर किससे एक एक से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आएगा आपके लिए चार सौ चवालीस किलोमीटर तो आपको याद रखना अगर आप छत्तीसगढ़ का चौड़ाई देख रहे हो कहाँ से बीजापुर से जसपुर नगर तो ये लगभग आपके लिए कितना है 435 अगर हम देख रहे हैं 17 से 24 तो ये लगभग कितना है सात है ना जी <coughs> आपके लिए कितना हो जाएगा लगभग सात डिग्री हो जाएगा तो सात को अगर एक सौ ग्यारह से मल्टीप्लाई करोगे लगभग कितना आएगा ट्रिपल सेवन किलोमीटर तो इसको आंसर लेता है वो सात सौ से आठ सौ किलोमीटर तो हमको याद रखना सात सौ से आठ सौ किलोमीटर अपन क्या है लंबे हैं और चार सौ चवालीस लगभग आपको याद रखना चार सौ पैंतीस किलोमीटर छत्तीसगढ़ की चौड़ाई है तो आपको यही पूछता है कि छत्तीसगढ़ कितना लंबा है तो आपके लिए 700 से 800 किलोमीटर कितना चौड़ा है 435 किलोमीटर। ये किस में अपने अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग अपने देशा पूर्वी देशांतर के अकॉर्डिंग क्लियर आगे बढ़े क्या अब आपको आगे बढ़ना है <coughs> देखिए <coughs> ये छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले और सीमांत तहसील क्लियर अपन को अब अपन चलते हैं छत्तीसगढ़ के कर्क कर रेखा पर अगर अगर बात हो रही कर्क कर रेखा तो कर्क कर रेखा आपके लिए कितना है दो वट का आपको सीधा याद रखना दो दूनी कितना हो जाएगा आपके लिए चार तो आपको चार जिले पढ़ने हैं किसके सरगुजा संभाग के ऊपर के शुरू के चार तो पहले क्या था आपके लिए कोरिया उसके बाद कोरिया के बाद क्या पढ़ते थे सूरजपुर उसके बाद कौन आता था बलराम तो आपको याद रखना है ये तो सूरजपुर बलरामपुर ये चारों तो ये तीन आपको पहले दिखते थे कर्क रेखा में अब अपन को एक चौथा जानना है कि चौथा कौन सा है तो ये चौथा आपके लिए कौन सा हो जाएगा अभी जो नया बना है मनेन्द्रगढ़ इसीलिए पेपर में इस बार पूछ सकता है तो आपको इसको एकदम अच्छे से याद करना है तो आपको याद रखना है मनेन्द्रगढ़ मनेन्द्रगढ़ के बाद याद रखना है आपको क्या चिरमिरी और चिरमिरी के बाद आपको याद रखना है कौन सा भरत जोधपुर क्लियर आगे बढ़े क्या उसके बाद याद रखना है आपको क्या भारतीय मानक समय रेखा इसी को बोला जाता है आपके लिए क्या आई जब बात होती है कर्क रेखा का तो कर्क रेखा क्या करता है भारत को दो समान भागों में विभक्त करता है और भारत के लगभग आठ राज्यों से होकर गुजरता है उसमें एक राज्य आपके लिए छत्तीसगढ़ पड़ता है तो हमको वही चीज देखना है देखिए ये आपको अगर याद रखना है कि हमारे जो कर्क रेखा कहाँ जाता है सीधा ऊपर से काट देना है ऐसा आपको याद रखना कोरिया आपको याद रखना सूरजपुर आपको याद रखना बलरामपुर और ये अभी आपके लिए हो जाएगा चौथा क्लियर जी तो आपको कन्फ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए कि सर हम कहाँ देखिए ऐसा करके क्लियर तो आपको शुरू के चार हो गए उसके बाद आपको देखना है भारतीय मानक समय रेखा इसी बोलते हैं आईएसटी तो ये टोटल है आपके लिए कितना सात जगहों पे तो आपको याद रखना है सात जगह अब सात को आप तोड़ सकते हो कैसे दो दो और तीन करके ठीक है जी तो दो कहाँ पड़ेंगे आपको संभाग में पहला याद रखना आप सरगुजा संभाग में दूसरा याद रखना अपन बिलासपुर संभाग में उसके बाद याद रखना है आपको किस में <coughs> रायपुर संभाग में आपको जिलों का नाम मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले अपन सरगुजा में जाएंगे तो के और एस तो आपको याद रखना है कौन सा कोरिया और कोरिया के बाद याद रखना है आपको कौन सा सूरजपुर अब फिर आगे कहाँ बिलासपुर बिलासपुर में आपको फिर के से याद रखना है और आपको याद रखना है जैसे? तो आपको याद रखना है आपके लिए कौन सा कोरबा और कोरबा के साथ याद रखना है आपको क्या जांजगीर चांपा <coughs> क्लियर जी अब अपन को याद रखना है रायपुर तो रायपुर में अपन रायपुर को छोड़ दे अपन छोड़ दे धमतरी को तो हमारे पास और तीन जिले बचेंगे वो तीन जिले कौन कौन सा है आपके लिए सबसे पहले तो आपके लिए बचेगा कौन सा महासमुंद महासमुंद के बाद याद रखना है आपको कौन सा गरिया बंद और गरिया बंद के बाद याद रखना है हमारे लिए कौन सा बलौदा बजा तो ये आपके लिए क्या पढ़ेंगे सात आई लाइन वाले अरे नो आपको दिखेगा ये साढ़े तेईस डिग्री जो है आपके लिए कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के चार जिलों से होके गुजरती है आप पहले पढ़े होंगे तो आपको ये तीन जगह दिखाई देता था वो तीन जगह कौन सा था कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर अभी ये चौथा आपके लिए एड हो गया है तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको उसको देखना है उसके बाद देखोगे भारतीय समय मानक समय रेखा या इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं तो आपको ये याद रखना जब साढ़े बयासी डिग्री से प्रदेश के सात आपके जिलों से होकर गुजरती है तो ये दोनों कहाँ से था आपके लिए सरगुजा से आपको फिर बोला ना फिर आपको इसको ऐसे याद रखना है दो प्लस दो प्लस तीन तो आपको याद रखना है दो आपको कहाँ पड़ेगा बिलासपुर संभाग से और आपको अगला तीन याद रखना ये पड़ेगा आपको कहां से रायपुर से अरे या योनो अब याद रखना क्या कि अगर आपके लिए कर्क रेखा इधर से जा रहा है आईएसटी लाइन ऊपर से आ रहा है तो ये दोनों का जो संगम स्थल है इसी को बोलते हैं आपके लिए क्या प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद रखना कि ये कोरिया जिला का सोनहाट एक तहसील है एक विकास खंड है वहीं पे क्या करता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है इंटरसेक्ट करता है आपको ये याद रखना है क्लियर जी आगे बढ़े क्या आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य अगर आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य पड़ोसी के लिए याद रखना आपको जब बचपन में रहोगे तो बहुत मजा आता होगा खेलने में तो हम लोग क्या खेलते थे ममा ते आ उ एंड, ओ तो आपको याद रखना मामा ममाते आउ एंड जाओ तो म से याद रखना आपके लिए क्या मध्य प्रदेश दूसरा म से याद रखना आपके लिए कौन सा महाराष्ट्र उसके बाद त से याद रखना आपके कौन सा तेलंगाना उसके बाद याद रखना आ आ से याद रखना आपके लिए कौन सा आंध्र प्रदेश उसके बाद याद रखना उ उ से याद रखना आपके लिए कौन सा उड़ीसा उसके बाद झा झा से याद रखना है आपके लिए कौन सा झारखंड उसके बाद याद रखना से याद रखना आपको कौन सा उत्तर प्रदेश तो आपको याद रखना है भाई छत्तीसगढ़ के आपके लिए क्या सात पड़ोसी राज्य हैं तो हम साथ, साथ हैं तो याद रखना छत्तीसगढ़ के सात पड़ोसी राज्य है माँ से याद रखना मध्य प्रदेश माँ से याद रखना महाराष्ट्र त से याद रखना तेलंगाना आपको अ से याद रखना आंध्र प्रदेश उसे याद रखना उड़ीसा झा से याद रखना झारखंड और उसे याद रखना क्या उत्तर प्रदेश आपको याद रखना ममा ते आओ एंड तो ये है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य या छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती प्रदेश या छत्तीसगढ़ के नेबरहुड स्टेट क्लियर जी आप देखते हैं आगे अब ये होता है कि सर अगर ये क्या कर रहे हैं ये हमारे पास साथ हमारे पड़ोसी राज्य हो गए हम क्या बोले थे मा मा ठीक है ते आ झा उ, उ तो ये हम क्या हो गए हम सात सात हैं तो हमारे सात पड़ोसी राज्य हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश दूसरा महाराष्ट्र तीसरा तेलंगाना चौथा आंध्र प्रदेश पांचवा उड़ीसा छठवा झारखंड और सातवा आपके लिए कौन सा उत्तर प्रदेश तो हम सात सात तो आपको क्लियर हो गया अब आपसे अगला प्रश्न ये पूछेगा कि आपके लिए अगर आंध्र प्रदेश है आपके लिए अगर उत्तर प्रदेश है आप देख रहे हो ऐसे हमारे क्या पड़ोसी राज्य हैं तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो किन किन जिलों के साथ अपना सीमा बनाते हैं ये आपको ऐसा प्रश्न पीएससी पूछता है तो आपको याद रखना आपको ऐसा सॉरी देखिए भाई सबसे पहले तो आपको ऐसे बनाना है <Sich buzz Bueno> <Yok besoin> <loft olmak> पानी पी लूं क्या देखिए आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का उत्तर तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश आपको दिशा पूछ सकता है ना छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश अरे या सोनो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के पूर्व यहाँ पड़ेगा आपको उड़ीसा या इसी बोलते हैं हम लोग उड़ीसा तो उड़ीसा बोले उड़ीसा बोले एक ही है ये आप यहाँ फंस जाते आपको याद रखना है भाई छत्तीसगढ़ के पश्चिम आप दुनिया भर का बुक पढ़ते हो मैं भी चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में आपके लिए महाराष्ट्र पढ़ता है मैं नहीं पढ़ाता आपको याद रखना ये अगर छत्तीसगढ़ का पश्चिम है तो इधर आपके लिए मध्य प्रदेश है नीचे आपके लिए कौन सा है जी महाराष्ट्र तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के पश्चिम में एक भी पड़ोसी राज्य नहीं है मतलब आपको पड़ोसी राज्य इधर मिलेंगे आपको पड़ोसी राज्य इधर मिलेंगे क्लियर जी तो आपको याद रखना मध्य जो प्रदेश है ये आपको मिलेगा कहाँ पे उत्तर पश्चिम ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है तब आपको लिया है आंसर प्रदेश एक बार इसी में लिया है और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में तो छत्तीसगढ़ के सॉरी दक्षिण पश्चिम तो ये यहां पे आंसर लिया है वो किसको महाराष्ट्र को तो ये महाराष्ट्र किस में पड़ता है दक्षिण पश्चिम में और आपके कई ठो बुक लोग ज्ञानी लोग ये लिख देते हैं सो महाराष्ट्र पश्चिम में पड़ता है नहीं पड़ता है बता रहा हूं आप ध्यान से अपने विवेक का प्रयोग करें आपको छत्तीसगढ़ के पश्चिम में एक भी पड़ोसी राज्य नहीं पड़ता आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में एक राज्य पड़ता है जिसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पश्चिम में आपको एक राज्य पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं महाराष्ट्र अब देखिए आपके पास एक और जिला बज गया सॉरी एक और पड़ोसी राज्य बच गया कौन सा तेलंगाना आप कई लोग क्या बोलते हैं सर ये जो तेलंगाना है ना आप अगर देखोगे तो दक्षिण पश्चिम में आएगा होशियार लोग आपको पहली में भारत का मैप दिखाता हूं बुक वाले कुछ भी आए बाएँ छाप रहे हैं और बच्चे कुछ भी आए बाएं पढ़ रहे हैं देखिए ये है आपके लिए तेलंगाना ये वाला सेक्शन तो ये जो तेलंगाना पड़ता है ये आपके लिए कहाँ पड़ता है ये है ये तो अगर आप देखोगे तो ये नीचे है आंध्र प्रदेश और ये बाजू में पड़ता है आपको तेलंगाना तो तेलंगाना आपके लिए महाराष्ट्र इधर पड़ रहा है देखो तो इसको बोल सकते हैं भाई दक्षिण पश्चिम आपके लिए तेलंगाना दक्षिण पश्चिम नहीं पड़ता तेलंगाना आपको पड़ता है किस में दक्षिण में तो आप उसको आंसर लेंगे दक्षिण में गड़बड़ हो जाएगा पहले पहली बता दे रहा हूं ठीक <coughs> है तो आपको तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ये दोनों दक्षिण में लेना है कई लोग को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये हमारा बुक हम जिस बुक में पढ़ते हैं ये तो उसको दक्षिण पश्चिम में लिखता है आप पढ़ सकते हैं आंसर नहीं लेगा पीएससी उसके बाद हमको मत बोलिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे वो सही था तो आपको मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये पढ़ाता हूँ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों दक्षिण में आजू बाजू ऐसे पढ़ता है ना भाई तो इसको मैं कैसे बोलूँ कि ये दक्षिण पश्चिम में पढ़ता है करके क्लियर तो आपको याद रखना ममा ते आ उ और इधर याद रखना झा तो जो आपके झा है वो है आपको पड़ता है झारखंड तो झारखंड आपको कहाँ पड़ेगा उत्तर पूर्व डायरेक्शन में आपको ये सब डायरेक्शन पूछता है भाई कि किधर कौन कौन सा आपके लिए क्या पड़ता है पड़ोसी राज्य तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दो राज्य पहला आपके लिए आंध्र प्रदेश दूसरा आपके लिए पड़ता है तेलंगाना उसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में आपको आंसर लिया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आपके लिए दक्षिण पश्चिम में कौन सा है महाराष्ट्र आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के आपके पूर्वी हिस्से में पड़ता है आपको उड़ीसा तो आपको आंसर लेना है क्या उड़ीसा तो ये हो गए हम साथ साथ हैं ममा ते आओ एंड जाओ अब देखिए अगला जो आपके लिए प्रश्न बनेगा वो थोड़ा खतरनाक बनेगा और वही खतरनाक प्रश्न देखते हैं कि अब वो पूछेगा कि ये उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के कितने राज सॉरी कितने जिलों के साथ अपना क्या बनाता है सीमा देखिए भाई ये आपके लिए उत्तर प्रदेश है हाँ यहाँ बना लेते हैं अच्छे से बड़े तरीके से लेकिन हम ज्यादा जानवर नहीं बचाएंगे पहली बता दे रहा हूं तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है यहाँ आपके लिए क्या आंध्र प्रदेश में क्या बोला था तेलंगाना अपन किस में लेना है अपन को दक्षिण में लेना है और आपको क्या लेना है दक्षिण पश्चिम में इधर महाराष्ट्र को आपको नंबर याद होना चाहिए मैं आपको रटवा के दे दूंगा सर किधर क्या क्या आता है करके आपको याद रखना पश्चिम में कोई भी राज्य नहीं पड़ता आपको याद रखना उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम में आपको क्या था मध्य प्रदेश उसके बाद याद रखना इधर उड़ीसा या उड़ीसा अब देखिए इधर था आपके लिए क्या झारखंड देखिए भाई यह आपके लिए उत्तर प्रदेश तो उत्तर में याद रखना उत्तर प्रदेश केवल छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना क्या बनाता है सीमा एक ऊपर याद रखना देख नीचे दूसरा हम लोग पहुंचे किसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए तो आंध्र प्रदेश भी कितने जिले के साथ बनाता है एक अब आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घड़ी का कांटा चलता है एक आपको याद रखना है क्या दो बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा जी रखे। आपको याद रखना उत्तर प्रदेश एक आंध्र प्रदेश एक झारखंड दो अब आपको इधर पहुंचना है तेलंगाना भी कितने के साथ बनाएगा दो क्लियर जी अब देखिए। एक दो एक दो आपको याद रखना एक दो दो को दो से मल्टीप्लाई कर दो एक से जोड़ दो कितना हो जाएगा ये पाँच पहले ये बनाता था दो दूनी चार करके पढ़ा देता था अब ये दो दूनी चार नहीं अभी हो गया है तो हमको देखना है वो पाँच व कौन सा एक जिला बना है जिसके साथ महाराष्ट्र एक बढ़ गया पहले हम लोग इसको क्या पढ़ाते थे चार अब ये बढ़ गया है एक पढ़ाना मध्य प्रदेश को पढ़ाना उड़ीसा उड़ीसा बनाता है नौ राज्यों के साथ सॉरी नौ जिलों के साथ मध्य प्रदेश भी बनाएगा अब <coughs> नौ जिलों के साथ तो ये पहले बनाता था साथ, अब इसमें दो नए जुड़ गए हैं ये उड़ीसा पहले बनाता था केवल आठ अब इसमें जुड़ गए एक नए तो देखना है कौन कौन सा है उसको करके क्लियर तो पहले उत्तर प्रदेश एक राज्य के साथ आंध्र प्रदेश एक राज्य के साथ झारखंड दो तेलंगाना दो महाराष्ट्र पांच मध्य प्रदेश ना उड़ीसा ना अब देखिए कौन कौन से है <coughs> देखिए भाई मैं बोला था आपको किसको <coughs> उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बना रहा है एक के साथ झारखंड बना रहा है दो के साथ पहले आपके लिए कौन सा है ये आपके लिए बलरामपुर दूसरा है आपके लिए जसपुर तो एक और आपको याद रखना है दो उड़ीसा उड़ीसा बना रहा है कितने के साथ नौ तो पहले एक दूसरा रायगढ़ तीसरा आपके लिए बिलाईगढ़, सारंगगढ़ चौथा याद रखना है महासमुंद उसके बाद गरियाबंद फिर आपके लिए कौन बनाएगा धमतरी धमतरी के बाद कोंडागांव उसके बाद बना रहा है बस्तर और बस्तर के बाद बना रहा है सुकमा तो आपको एक दो तीन चार उसके बाद पाँच छ सात आठ और ये नौ क्लियर जी नौवा अभी ये वाला बढ़ा है पहले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ उड़ीसा अपना सीमा नहीं बनाता था चूंकि एक नए जिले का सृजन हुआ है इसीलिए सारंगढ़ बिलईगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है उड़ीसा के साथ इधर देख रहे हैं अपन किसके लिए <coughs> फिर पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश किसके साथ केवल एक एक है आपके लिए कौन सा सुकमा ये देख रहे हो आप तेलंगाना तेलंगाना दो के साथ पहला है आपके लिए कौन सा सुकमा और दूसरा है आपके लिए कौन सा बीजापुर उसके बाद देख रहे हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र सबसे पहले किसके साथ बनाएगा बीजापुर दूसरा बना रहे हो किसके साथ नारायणपुर तीसरा बना रहे हो किसके साथ कांकेर चौथा बना रहे हो मोहेला मानपुर और पांचवा बना रहे हो किसके साथ रायगढ़ सॉरी राजनांदगांव के साथ तो पांच हो गया और ये चार अब देखते हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पहले बनाता था सात अब ये हो गए दो टो प्लस अरे ये सोनो ये देखिए खैरागढ़ छुई खदान ये एक कबीरधाम दो तीसरा मुंगेली चौथा है आपके लिए गौरेला पिंड मारोई पांचवा छठवा कोरिया सातवा आपके लिए कौन हो जाएगा <coughs> सूरजपुर और आठवा आपके लिए कौन सा बलरामपुर देखिए अच्छा राजनांदगांव भूल गया ना तभी कैसे हो गया बोल रहा था ये हो गया नौवा राजनांदगांव तो ये आपके लिए मध्य प्रदेश बनाता है कितने नौ के साथ आपको चीजें ऐसे याद होनी चाहिए भाई इसीलिए हम आगे लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो देखिए उत्तर उत्तर प्रदेश बलरामपुर झारखंड बलरामपुर जसपुर उड़ीसा आपके लिए कितना है मैं सीधा लिख दे रहा हूं एक दो आपके लिए उड़ीसा कितना था नौ नौ के साथ आंध्र प्रदेश एक तेलंगाना दो आपके महाराष्ट्र महाराष्ट्र कितने के साथ बनाता है पांच और आपको याद रखना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कितने के साथ बनाता है नौ जितना उधर डायग्राम में बनाया था इधर आपको लिख दिया हूं जी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लियर जी अब आपको पूछेगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है जी तो आपको याद रखना आप पीछे अभी पढ़े हो कौन सा ये <coughs> देखिए उड़ीसा उड़ीसा सबसे ज्यादा बड़ा बाउंड्री बनाता है तो आपको याद रखना उड़ीसा का जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ा बाउंड्री है तो आपको याद रखना सर्वाधिक सीमा वाला राज्य इसमें पहले नंबर में आएगा आपके लिए कौन सा उड़ीसा ये पहला अगर आपको दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा आपका आता है मध्य प्रदेश क्योंकि वो नौ राज्य नौ जिलों के साथ वो भी तो बना रहे क्या उसके बाद याद रखना न्यूनतम तो न्यूनतम में एक एक वाला कौन था एक उत्तर प्रदेश था दूसरा आंध्र प्रदेश तो हमको याद रखना पहले आंध्र प्रदेश सबसे कम सीमा पहले नंबर पे अगर आप दूसरे नंबर पे देखोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए कौन सा उत्तर प्रदेश अरे सुनो अधिकतम अंतर्राज्य सीमा वाला जिला तो ये सबसे उत्तरी जिला आपके लिए कौन सा पड़ता है बलरामपुर बोल रहा है कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है तो वो है आपके लिए बलरामपुर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला तो यह है हमारे लिए कौन सा धमतरी आपको ये सब प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं आपको पूछेगा तीन राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का नाम बताओ तो इसमें कौन कौन आता है एक तो बलरामपुर और एक सुकमा मतलब सबसे उत्तरी जिला <coughs> और दूसरा याद रखना सबसे दक्षिणी जिला तो आपको सबसे उत्तरी जिला याद रखना सबसे दक्षिणी जिला याद रखना उत्तरी जिला बलरामपुर सबसे पहले किसके साथ बनाता है वो उत्तर प्रदेश के साथ सेंटर में लेफ्ट साइड में किसके साथ बना रहा था वो मध्य प्रदेश के साथ राइट साइड में किसके साथ बना रहा था वो झारखंड के साथ अपन पढ़े हैं ना डायग्राम इसीलिए बताया था आपको उसके बाद सुकमा सुकमा सबसे दक्षिणी जिला आंध्र प्रदेश सबसे पहले वो किसके साथ बनाता है आंध्र प्रदेश <kuh> दूसरा याद रखना दूसरा वे बनाता है किसके साथ तेलंगाना के साथ और तीसरा याद रखना यह बनाता है किसके साथ उड़ीसा के साथ ऐसा था कि नहीं उसके बाद याद रखना दो राज्यों जब भी आपको तीन राज्यों के साथ बोलेगा तो ये जिलों की संख्या हो जाएगी दो और जब भी आपको पूछेगा दो राज्यों के साथ तो ये जिलों की संख्या हो जाएगी क्या तीन तो आपको याद रखना जब तीन राज्य पूछेगा तो दो जिला और जब आपको क्या पूछेगा दो राज्य बोलेगा तो तीन जिला तो तीन इंटू रहता थ्री इंटू टू रहता है तो आपको याद रखना इसमें जसपुर बीजापुर और राजनांदगांव आपको अगर डायग्राम देखोगे तो जसपुर आपको राइट साइड ऊपर पड़ता था क्या तो किसके साथ बनाता था आपके लिए झारखंड और झारखंड के साथ किसका उड़ीसा उसके बाद देखते हैं बीजापुर बीजापुर नीचे में लेफ्ट साइड था क्या तो ये किसके साथ बनाता था सबसे पेट में किडनी में दर्द नहीं होना चाहिए उसके बाद याद रखना राजनांदगांव तो ये मामा तो मां से याद रखना मध्य प्रदेश उसके बाद मां से याद रखना आपके लिए क्या महाराष्ट्र क्लियर जी आगे बढ़े क्या देखें ये आपको मैं लिख दिया हूं। चीजों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देखिए इसको एक बार दिखाता हूं आपको मैं <coughs> ये देखिए भाई सीमा आपको अगर बात कर रहा है उत्तर प्रदेश ये आपको बता रहा था ना तीन तीन जिसके साथ कौन कौन से जिले जो तीन राज्यों के साथ एक ऊपर में पड़ता है बलरामपुर पहला उत्तर प्रदेश दूसरा इधर से झारखंड और तीसरा इधर से कौन सा मध्य प्रदेश बात कर रहा है सुकमा नीचे आंध्र प्रदेश इधर तेलंगाना और इधर आपको पड़ता है क्या उड़ीसा बात कर रहा है वो कौन कौन से जिले हैं जो दो पड़ोसी राज्यों के साथ अपना सीमा बनाते हैं तो देखिए इधर जसपुर ऊपर झारखंड नीचे आपके लिए उड़ीसा इधर आपके लिए पड़ रहा है बीजापुर इधर तेलंगाना ऊपर में महाराष्ट्र उसके बाद ये आपके लिए राजनाथ गांव नीचे महाराष्ट्र और ऊपर है आपके लिए क्या मध्य प्रदेश क्लियर जी तो यह था आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में जिसमें अपन कोशिश किए कि छत्तीसगढ़ को एक नए सिरे से समझ सके जिसमें छत्तीसगढ़ क्या हुआ है जितने भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं तो जितने आपके पास अभी वर्तमान तैतीस जिले हैं उसके हिसाब से पढ़ने का एक कोशिश किए थे क्लियर जी तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के साथ जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा क्रम है क्षेत्रफल में कौन सा क्रम है वन संसाधन देखेंगे और साथ में कौन पहला व्यक्ति है जिसने क्या देखा था सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ बने तो ऐसे बहुत सारे सामान्य परिचय के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले क्लास में तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़